आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल थंडर व्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे फिर से मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसे लिखा गया है और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में और मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं कुणाल कोहली और अजय भुइया और इस मूवी को लिखा गया है ज्योति कपूर के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर में आपको देखने के लिए मिलेंगे शिव कुमार। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे कुणाल कोहली और जेनिफर विंगेट। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई मनीष चंद्र भट्ट के द्वारा और इस मूवी को एडिट किया गया है धवल अशोक दर्जी के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं जीत गांगुली के द्वारा और इस मूवी के अंदर जो बैकग्राउंड स्कोर दिया गया है वो दिया गया है संदीप सरोदकर के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे अब इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है बॉम्बे फिल्म कंपनी लिमिटेड। और गाइस जो इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वो किया गया है द बॉम्बे फिल्म कंपनी लिमिटेड के द्वारा। और इस मूवी को रिलीज किया गया था 15 जनवरी 2018 को और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी का साउंड ट्रैक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 6 सॉन्ग्स हैं और गाइस जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वो है फिर से का टाइटल ट्रैक। और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है रोजाना। और गाइस जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है मैंने सोचा कि चुरा लूँ। और गाइस जो इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वो है ये दिल जो है बदमाश है। और इस मूवी के अंदर जो पाँचवा सॉन्ग है वो है फिर से का सैड वर्जन। और इस मूवी के अंदर जो छठा और आखिरी सॉन्ग है वो है फिर से का रिमैक्स। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 6 सॉन्ग्स हैं और मतलब सही सॉन्ग्स हैं। वन टाइम के लिए अगर आप सुनेंगे तो आपको मतलब काफ़ी आनंद आएगा इस मूवी के सॉन्ग सुन के और काफ़ी मज़ा भी आएगा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की तो इस मूवी को IMDb पर मिला है 10 में से 5.3 की रेटिंग जो कि इस मीडियम से थोड़ा ही ऊपर है। बट अगर देखा जाए तो मूवी की स्टोरी काफ़ी अच्छी है क्योंकि अगर मैं आपको यहाँ पे अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में तो गाइज़ ये मूवी मेरी देखी हुई है और काफ़ी सही स्टोरी है, थोड़ी कॉमेडी है और थोड़ा लव स्टोरी है। अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा और मतलब आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा इस मूवी को देख के और आप बोर नहीं होंगे। वन टाइम के लिए काफ़ी अच्छी मूवी है, अगर आप देखेंगे तो मतलब काफ़ी आनंद आएगा आपको इस मूवी को देख के। और गाइज़ अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के सॉन्ग्स की तो सॉन्ग्स भी काफ़ी अच्छे हैं तो मैं सजेस्ट करूँगा आप सॉन्ग्स भी मतलब एक बार ज़रूर सुने इस मूवी के। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए और अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को और इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर व्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे फिर से मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसे लिखा गया है और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में और मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं कुणाल कोहली और अजय भुइया और इस मूवी को लिखा गया है ज्योति कपूर के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर में आपको देखने के लिए मिलेंगे शिव कुमार। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे कुणाल कोहली और जेनिफर विंगेट। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई मनीष चंद्र भट्ट के द्वारा और इस मूवी को एडिट किया गया है धवल अशोक दर्जी के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं जीत गांगुली के द्वारा और इस मूवी के अंदर जो बैकग्राउंड स्कोर दिया गया है वो दिया गया है संदीप सरोदकर के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे अब इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है बॉम्बे फिल्म कंपनी लिमिटेड। और गाइस जो इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वो किया गया है द बॉम्बे फिल्म कंपनी लिमिटेड के द्वारा। और इस मूवी को रिलीज किया गया था 15 जनवरी 2018 को और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी का साउंड ट्रैक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 6 सॉन्ग्स हैं और गाइस जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वो है फिर से का टाइटल ट्रैक। और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है रोजाना। और गाइस जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है मैंने सोचा कि चुरा लूँ। और गाइस जो इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वो है ये दिल जो है बदमाश है। और इस मूवी के अंदर जो पाँचवा सॉन्ग है वो है फिर से का सैड वर्जन। और इस मूवी के अंदर जो छठा और आखिरी सॉन्ग है वो है फिर से का रिमैक्स। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 6 सॉन्ग्स हैं और मतलब सही सॉन्ग्स हैं। वन टाइम के लिए अगर आप सुनेंगे तो आपको मतलब काफ़ी आनंद आएगा इस मूवी के सॉन्ग सुन के और काफ़ी मज़ा भी आएगा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की तो इस मूवी को IMDb पर मिला है 10 में से 5.3 की रेटिंग जो कि इस मीडियम से थोड़ा ही ऊपर है। बट अगर देखा जाए तो मूवी की स्टोरी काफ़ी अच्छी है
क्योंकि गाइज अगर मैं आपको यहाँ पे अपना पर्सनल ओपिनियन दो इस मूवी के बारे में, तो गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई है और काफ़ी सही स्टोरी है, थोड़ी कॉमेडी है और थोड़ा लव स्टोरी है। अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा और मतलब आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा इस मूवी को देख के, और आप बोर नहीं होंगे। वन टाइम के लिए काफ़ी अच्छी मूवी है, अगर आप देखेंगे तो मतलब काफ़ी आनंद आएगा आपको इस मूवी को देख के। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के सॉन्ग्स की, तो सॉन्ग्स भी काफ़ी अच्छे हैं, तो मैं सजेस्ट करूँगा आप सॉन्ग्स भी मतलब एक बार ज़रूर सुने इस मूवी के। हाँ, तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए और अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को, और इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर व्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे फिर से मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइज मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसे लिखा गया है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं कुणाल कोहली और अजय भुइया, और इस मूवी को लिखा गया है ज्योति कपूर के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर में आपको देखने के लिए मिलेंगे शिव कुमार। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे कुणाल कोहली और जेनिफर विंगेट। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई मनीष चंद्रा भट्ट के द्वारा, और इस मूवी को एडिट किया गया है धवल अशोक दर्जी के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं जीत गांगुली के द्वारा, और इस मूवी के अंदर जो बैकग्राउंड स्कोर दिया गया है वो दिया गया है संदीप सरोदकर के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे अब इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की, तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है बॉम्बे फिल्म कंपनी लिमिटेड, और गाइस जो इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वो किया गया है द बॉम्बे फिल्म कंपनी लिमिटेड के द्वारा। और इस मूवी को रिलीज़ किया गया था 15 जनवरी 2018 को, और ये इंडिया के हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी का साउंड ट्रैक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 6 सॉन्ग्स हैं, और गाइस जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वो है फिर से का टाइटल ट्रैक, और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है रोजाना, और गाइस जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है मैंने सोचा कि चुरा लूँ, और गाइस जो इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वो है ये दिल जो है बदमाश है, और इस मूवी के अंदर जो पाँचवा सॉन्ग है वह फिर से का सैड वर्जन, और इस मूवी के अंदर जो छठा और आखिरी सॉन्ग है वह फिर से का रिमैक्स। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 6 सॉन्ग्स हैं, और मतलब सही सॉन्ग्स हैं। वन टाइम के लिए अगर आप सुनेंगे तो आपको मतलब काफ़ी आनंद आएगा इस मूवी के सॉन्ग सुन के, और काफ़ी मज़ा भी आएगा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.3 की रेटिंग, जो कि मीडियम से थोड़ा ही ऊपर है। बट अगर देखा जाए तो मूवी की स्टोरी काफ़ी अच्छी है, क्योंकि गाइस अगर मैं आपको यहाँ पे अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई है और काफ़ी सही स्टोरी है, थोड़ी कॉमेडी है और थोड़ा लव स्टोरी है। अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा और मतलब आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा इस मूवी को देख के, और आप बोर नहीं होंगे। वन टाइम के लिए काफ़ी अच्छी मूवी है, अगर आप देखेंगे तो मतलब काफ़ी आनंद आएगा आपको इस मूवी को देख के। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के सॉन्ग्स की, तो सॉन्ग्स भी काफ़ी अच्छे हैं, तो मैं सजेस्ट करूँगा आप सॉन्ग्स भी मतलब एक बार ज़रूर सुने इस मूवी के। हाँ, तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए और अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को, और इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर व्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे फिर से मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसे लिखा गया है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं कुणाल कोहली और अजय भुइया, और इस मूवी को लिखा गया है ज्योति कपूर के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर में आपको देखने के लिए मिलेंगे शिव कुमार। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे कुणाल कोहली और जेनिफर विंगेट। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई मनीष चंद्रा भट्ट के द्वारा, और इस मूवी को एडिट किया गया है धवल अशोक दर्जी के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं जीत गांगुली के द्वारा, और इस मूवी के अंदर जो बैकग्राउंड स्कोर दिया गया है वो दिया गया है संदीप सरोदकर के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे अब इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की, तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है बॉम्बे फिल्म कंपनी लिमिटेड, और गाइस जो इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वो किया गया है द बॉम्बे फिल्म कंपनी लिमिटेड के द्वारा। और इस मूवी को रिलीज़ किया गया था 15 जनवरी 2018 को, और ये इंडिया के हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी का साउंड ट्रैक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 6 सॉन्ग्स हैं, और गाइस जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वो है फिर से का टाइटल ट्रैक, और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है
वो है रोजाना, और गई जी उस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है मैंने सोचा कि चुरा लूँ, और गई जी उस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वो है ये दिल जो है बदमाश है, और इस मूवी के अंदर जो पाँचवा सॉन्ग है वो है फिर से का सैड वर्जन, और इस मूवी के अंदर जो छठा और आखिरी सॉन्ग है वो है फिर से का रिमैक्स। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर छह सॉन्ग्स हैं, और मतलब सही सॉन्ग्स हैं वन टाइम के लिए अगर आप सुनेंगे तो आपको मतलब काफ़ी आनंद आएगा इस मूवी के सॉन्ग सुन के, और काफ़ी मज़ा भी आएगा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो इस मूवी को IMDb पर मिला है 10 में से 5.3 की रेटिंग, जो कि इस मीडियम से थोड़ा ही ऊपर है। बट अगर देखा जाए तो मूवी की स्टोरी काफ़ी अच्छी है, क्योंकि अगर मैं आपको यहाँ पे अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइज़ ये मूवी मेरी देखी हुई है और काफ़ी सही स्टोरी है, थोड़ी कॉमेडी है और थोड़ा लव स्टोरी है। अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा, और मतलब आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा इस मूवी को देख कर, और आप बोर नहीं होंगे, वन टाइम के लिए काफ़ी अच्छी मूवी है। अगर आप देखेंगे तो मतलब काफ़ी आनंद आएगा आपको इस मूवी को देख के। और गाइज़ अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के सॉन्ग्स की, तो सॉन्ग्स भी काफ़ी अच्छे हैं, तो मैं सजेस्ट करूँगा आप सॉन्ग्स भी मतलब एक बार ज़रूर सुने इस मूवी के। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को, और इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर व्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे फिर से मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइज मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है, और किसके द्वारा इसे लिखा गया है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइज इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं कुणाल कोहली और अजय भुइया, और इस मूवी को लिखा गया है ज्योति कपूर के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की, तो गाइज इस मूवी के प्रोड्यूसर में आपको देखने के लिए मिलेंगे शिव कुमार। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे कुणाल कोहली और जेनिफर विंगेट। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइज इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई मनीष चंद्रा भट्ट के द्वारा, और इस मूवी को एडिट किया गया है धवल अशोक दर्जी के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं जीत गांगुली के द्वारा, और इस मूवी के अंदर जो बैकग्राउंड स्कोर दिया गया है वो दिया गया है संदीप सरोदकर के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे अब इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की, तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है बॉम्बे फिल्म कंपनी लिमिटेड, और गाइज जो इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वो किया गया है द बॉम्बे फिल्म कंपनी लिमिटेड के द्वारा। और इस मूवी को रिलीज़ किया गया था 15 जनवरी 2018 को, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी का साउंड ट्रैक की। तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 6 सॉन्ग्स हैं, और गाइज इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वह फिर से का टाइटल ट्रैक, और गाइज उस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वह है रोजाना, और गाइज उस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वह है मैंने सोचा कि चुरा लूँ, और गाइज उस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वह है ये दिल जो है बदमाश है, और इस मूवी के अंदर जो पांचवा सॉन्ग है वह है फिर से का सैड वर्जन, और इस मूवी के अंदर जो छठा और आखिरी सॉन्ग है वह है फिर से का रिमैक्स। तो गाइज इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 6 सॉन्ग्स हैं, और मतलब सही सॉन्ग्स हैं वन टाइम के लिए अगर आप सुनेंगे तो आपको मतलब काफ़ी आनंद आएगा इस मूवी के सॉन्ग सुन के, और काफ़ी मज़ा भी आएगा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो इस मूवी को IMDb पर मिला है 10 में से 5.3 की रेटिंग, जो कि इस मीडियम से थोड़ा ही ऊपर है। बट अगर देखा जाए तो मूवी की स्टोरी काफ़ी अच्छी है, क्योंकि अगर मैं आपको यहाँ पे अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई है और काफ़ी सही स्टोरी है, थोड़ी कॉमेडी है और थोड़ा लव स्टोरी है। अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा, और मतलब आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा इस मूवी को देख के, और आप बोर नहीं होंगे, वन टाइम के लिए काफ़ी अच्छी मूवी है। अगर आप देखेंगे तो मतलब काफ़ी आनंद आएगा आपको इस मूवी को देख के। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के सॉन्ग्स की, तो सॉन्ग्स भी काफ़ी अच्छे हैं, तो मैं सजेस्ट करूँगा आप सॉन्ग्स भी मतलब एक बार ज़रूर सुने इस मूवी के। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को, और इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइज आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर व्यूज़ में। तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे फिर से मूवी के बारे में। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइज मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है, और किसके द्वारा इसे लिखा गया है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइज इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं कुणाल कोहली और अजय भुइया, और इस मूवी को लिखा गया है ज्योति कपूर के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की, तो गाइज इस मूवी के प्रोड्यूसर में आपको देखने के लिए मिलेंगे शिव कुमार,
और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे कुणाल कोहली और जेनिफर विंगेट। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइज इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई मनीष चंद्रा भट्ट के द्वारा, और इस मूवी को एडिट किया गया है धवल अशोक दर्जी के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं जीत गांगुली के द्वारा, और इस मूवी के अंदर जो बैकग्राउंड स्कोर दिया गया है वो दिया गया है संदीप सरोदकर के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे अब इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की, तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है बॉम्बे फिल्म कंपनी लिमिटेड, और गाइज जो इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वो किया गया है द बॉम्बे फिल्म कंपनी लिमिटेड के द्वारा। और इस मूवी को रिलीज़ किया गया था 15 जनवरी 2018 को, और ये इंडिया के हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी का साउंड ट्रैक की। तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 6 सॉन्ग्स हैं, और गाइज जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वह है फिर से का टाइटल ट्रैक, और गाइज जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वह है रोजाना, और गाइज जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वह है मैंने सोचा कि चुरा लूँ, और गाइज जो इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वह है ये दिल जो है बदमाश है, और इस मूवी के अंदर जो पाँचवा सॉन्ग है वह है फिर से का सैड वर्जन, और इस मूवी के अंदर जो छठा और आखिरी सॉन्ग है वह फिर से का रिमैक्स। तो गाइज इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 6 सॉन्ग्स हैं, और मतलब सही सॉन्ग्स हैं, वन टाइम के लिए अगर आप सुनेंगे तो आपको मतलब काफ़ी आनंद आएगा इस मूवी के सॉन्ग सुन के, और काफ़ी मज़ा भी आएगा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.3 की रेटिंग, जो कि मीडियम से थोड़ा ही ऊपर है, बट अगर देखा जाए तो मूवी की स्टोरी काफ़ी अच्छी है। क्योंकि गाइज अगर मैं आपको यहाँ पे अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई है और काफ़ी सही स्टोरी है, थोड़ी कॉमेडी है और थोड़ा लव स्टोरी है। अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा, और मतलब आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा इस मूवी को देख के, और आप बोर नहीं होंगे, वन टाइम के लिए काफ़ी अच्छी मूवी है। अगर आप देखेंगे तो मतलब काफ़ी आनंद आएगा आपको इस मूवी को देख के। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के सॉन्ग्स की, तो सॉन्ग्स भी काफ़ी अच्छे हैं, तो मैं सजेस्ट करूँगा आप सॉन्ग्स भी मतलब एक बार ज़रूर सुने इस मूवी के। हाँ, तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को, और इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइज, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर व्यूज़ में। तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे फिर से मूवी के बारे में। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइज मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है, और किसके द्वारा इसे लिखा गया है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइज इस मूवी का जो डायरेक्टर है वो है कुणाल कोहली और अजय भुइया, और इस मूवी को लिखा गया है ज्योति कपूर के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की, तो गाइज इस मूवी के प्रोड्यूसर में आपको देखने के लिए मिलेंगे शिव कुमार। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे कुणाल कोहली और जेनिफर विंगेट। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइज इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई मनीष चंद्रा भट्ट के द्वारा, और इस मूवी को एडिट किया गया है धवल अशोक दर्जी के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं जीत गांगुली के द्वारा, और इस मूवी के अंदर जो बैकग्राउंड स्कोर दिया गया है वो दिया गया है संदीप सरोदकर के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे अब इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की, तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है बॉम्बे फिल्म कंपनी लिमिटेड, और गाइज जो इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वो किया गया है द बॉम्बे फिल्म कंपनी लिमिटेड के द्वारा। और इस मूवी को रिलीज़ किया गया था 15 जनवरी 2018 को, और ये इंडिया के हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी का साउंड ट्रैक की। तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 6 सॉन्ग्स हैं, और गाइज जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वह है फिर से का टाइटल ट्रैक, और गाइज जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वह है रोजाना, और गाइज जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वह है मैंने सोचा कि चुरा लूँ, और गाइज जो इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वह है ये दिल जो है बदमाश है, और इस मूवी के अंदर जो पाँचवा सॉन्ग है वह है फिर से का सैड वर्जन, और इस मूवी के अंदर जो छठा और आखिरी सॉन्ग है वह फिर से का रिमैक्स। तो गाइज इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 6 सॉन्ग्स हैं, और मतलब सही सॉन्ग्स हैं, वन टाइम के लिए अगर आप सुनेंगे तो आपको मतलब काफ़ी आनंद आएगा इस मूवी के सॉन्ग सुन के, और काफ़ी मज़ा भी आएगा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.3 की रेटिंग, जो कि इस मीडियम से थोड़ा ही ऊपर है, बट अगर देखा जाए तो मूवी की स्टोरी काफ़ी अच्छी है। क्योंकि गाइज अगर मैं आपको यहाँ पे अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई है और काफ़ी सही स्टोरी है, थोड़ी कॉमेडी है और थोड़ा लव स्टोरी है। अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा, और मतलब आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा इस मूवी को देख के, और आप बोर नहीं होंगे, वन टाइम के लिए काफ़ी अच्छी मूवी है। अगर आप देखेंगे तो मतलब काफ़ी आनंद आएगा आपको इस मूवी को देख के। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के सॉन्ग्स की, तो सॉन्ग्स भी काफ़ी अच्छे हैं, तो मैं सजेस्ट करूँगा आप सॉन्ग्स भी मतलब एक बार ज़रूर सुने इस मूवी के। हाँ, तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को, और इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।
हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर व्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे फिर से मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसे लिखा गया है और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में और मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं कुणाल कोहली और अजय भुइया और इस मूवी को लिखा गया है ज्योति कपूर के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर में आपको देखने के लिए मिलेंगे शिव कुमार। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे कुणाल कोहली और जेनिफर विंगेट। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई मनीष चंद्रा भट्ट के द्वारा और इस मूवी को एडिट किया गया है धवल अशोक दर्जी के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं जीत गांगुली के द्वारा और इस मूवी के अंदर जो बैकग्राउंड स्कोर दिया गया है वो दिया गया है संदीप सरोदकर के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे अब इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है बॉम्बे फिल्म कंपनी लिमिटेड। और गाइस जो इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वो किया गया है द बॉम्बे फिल्म कंपनी लिमिटेड के द्वारा। और इस मूवी को रिलीज़ किया गया था 15 जनवरी 2018 को और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी का साउंड ट्रैक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 6 सॉन्ग्स हैं और गाइस जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वह फिर से का टाइटल ट्रैक। और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वह है रोजाना। और गाइस जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वह मैंने सोचा कि चुरा लूँ। और गाइस जो इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वह ये दिल जो है बदमाश है। और इस मूवी के अंदर जो पाँचवा सॉन्ग है वह फिर से का सैड वर्जन और इस मूवी के अंदर जो छठा और आखिरी सॉन्ग है वह फिर से का रिमैक्स। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 6 सॉन्ग्स हैं और मतलब सही सॉन्ग्स हैं। वन टाइम के लिए अगर आप सुनेंगे तो आपको मतलब काफ़ी आनंद आएगा इस मूवी के सॉन्ग सुन के और काफ़ी मज़ा भी आएगा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की तो इस मूवी को IMDb पर मिला है 10 में से 5.3 की रेटिंग जो कि इस मीडियम से थोड़ा ही ऊपर है। बट अगर देखा जाए तो मूवी की स्टोरी काफ़ी अच्छी है क्योंकि गाइस अगर मैं आपको यहाँ पे अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई है और काफ़ी सही स्टोरी है। थोड़ी कॉमेडी है और थोड़ा लव स्टोरी है। अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा और मतलब आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा इस मूवी को देख के और आप बोर नहीं होंगे। वन टाइम के लिए काफ़ी अच्छी मूवी है। अगर आप देखेंगे तो मतलब काफ़ी आनंद आएगा आपको इस मूवी को देख के। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के सॉन्ग्स की तो सॉन्ग्स भी काफ़ी अच्छे हैं तो मैं सजेस्ट करूँगा आप सॉन्ग्स भी मतलब एक बार ज़रूर सुने इस मूवी के। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए और अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को और इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर व्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे फिर से मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसे लिखा गया है और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में और मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं कुणाल कोहली और अजय भुइया और इस मूवी को लिखा गया है ज्योति कपूर के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर में आपको देखने के लिए मिलेंगे शिव कुमार। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे कुणाल कोहली और जेनिफर विंगेट। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई मनीष चंद्रा भट्ट के द्वारा और इस मूवी को एडिट किया गया है धवल अशोक दर्जी के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं जीत गांगुली के द्वारा और इस मूवी के अंदर जो बैकग्राउंड स्कोर दिया गया है वो दिया गया है संदीप सरोदकर के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे अब इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है बॉम्बे फिल्म कंपनी लिमिटेड। और गाइस जो इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वो किया गया है द बॉम्बे फिल्म कंपनी लिमिटेड के द्वारा। और इस मूवी को रिलीज़ किया गया था 15 जनवरी 2018 को और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी का साउंड ट्रैक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 6 सॉन्ग्स हैं और गाइस जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वह फिर से का टाइटल ट्रैक। और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वह रोजाना। और गाइस जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वह मैंने सोचा कि चुरा लूँ। और गाइस जो इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वह ये दिल जो है बदमाश है। और इस मूवी के अंदर जो पाँचवा सॉन्ग है वह फिर से का सैड वर्जन और इस मूवी के अंदर जो छठा और आखिरी सॉन्ग है वह फिर से का रिमैक्स। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 6 सॉन्ग्स हैं और मतलब सही सॉन्ग्स हैं। वन टाइम के लिए अगर आप सुनेंगे तो आपको मतलब काफ़ी आनंद आएगा इस मूवी के सॉन्ग सुन के और काफ़ी मज़ा भी आएगा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की तो इस मूवी को IMDb पर मिला है 10 में से 5.3 की रेटिंग जो कि इस मीडियम से थोड़ा ही ऊपर है। बट अगर देखा जाए तो मूवी की स्टोरी काफ़ी अच्छी है
क्योंकि गाइस अगर मैं आपको यहाँ पे अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई है और काफ़ी सही स्टोरी है, थोड़ी कॉमेडी है और थोड़ा लव स्टोरी है। अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा और मतलब आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा इस मूवी को देख के, और आप बोर नहीं होंगे। वन टाइम के लिए काफ़ी अच्छी मूवी है, अगर आप देखेंगे तो मतलब काफ़ी आनंद आएगा आपको इस मूवी को देख के। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के सॉन्ग्स की, तो सॉन्ग्स भी काफ़ी अच्छे हैं, तो मैं सजेस्ट करूँगा आप सॉन्ग्स भी मतलब एक बार ज़रूर सुने इस मूवी के। हाँ तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए और अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को, और इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर व्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे फिर से मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसे लिखा गया है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं कुणाल कोहली और अजय भुइया, और इस मूवी को लिखा गया है ज्योति कपूर के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर में आपको देखने के लिए मिलेंगे शिव कुमार। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे कुणाल कोहली और जेनिफर विंगेट। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई मनीष चंद्र भट्ट के द्वारा, और इस मूवी को एडिट किया गया है धवल अशोक दर्जी के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं जीत गांगुली के द्वारा, और इस मूवी के अंदर जो बैकग्राउंड स्कोर दिया गया है वो दिया गया है संदीप सरोदकर के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे अब इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की, तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है बॉम्बे फिल्म कंपनी लिमिटेड। और गाइस जो इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वो किया गया है द बॉम्बे फिल्म कंपनी लिमिटेड के द्वारा, और इस मूवी को रिलीज़ किया गया था 15 जनवरी 2018 को, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी का साउंड ट्रैक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 6 सॉन्ग्स हैं, और गाइस जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वो है फिर से का टाइटल ट्रैक, और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है रोजाना, और गाइस जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है मैंने सोचा कि चुरा लूँ, और गाइस जो इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वो है ये दिल जो है बदमाश है, और इस मूवी के अंदर जो पाँचवा सॉन्ग है वो है फिर से का सैड वर्जन, और इस मूवी के अंदर जो छठा और आखिरी सॉन्ग है वो है फिर से का रिमैक्स। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 6 सॉन्ग्स हैं, और मतलब सही सॉन्ग्स हैं। वन टाइम के लिए अगर आप सुनेंगे तो आपको मतलब काफ़ी आनंद आएगा इस मूवी के सॉन्ग सुन के, और काफ़ी मज़ा भी आएगा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो इस मूवी को IMDb पर मिला है 10 में से 5.3 की रेटिंग, जो कि इस मीडियम से थोड़ा ही ऊपर है। बट अगर देखा जाए तो मूवी की स्टोरी काफ़ी अच्छी है, क्योंकि गाइस अगर मैं आपको यहाँ पे अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई है और काफ़ी सही स्टोरी है, थोड़ी कॉमेडी है और थोड़ा लव स्टोरी है। अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा और मतलब आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा इस मूवी को देख के, और आप बोर नहीं होंगे। वन टाइम के लिए काफ़ी अच्छी मूवी है, अगर आप देखेंगे तो मतलब काफ़ी आनंद आएगा आपको इस मूवी को देख के। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के सॉन्ग्स की, तो सॉन्ग्स भी काफ़ी अच्छे हैं, तो मैं सजेस्ट करूँगा आप सॉन्ग्स भी मतलब एक बार ज़रूर सुने इस मूवी के। हाँ तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए और अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को, और इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर व्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे फिर से मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसे लिखा गया है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं कुणाल कोहली और अजय भुइया, और इस मूवी को लिखा गया है ज्योति कपूर के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर में आपको देखने के लिए मिलेंगे शिव कुमार। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे कुणाल कोहली और जेनिफर विंगेट। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई मनीष चंद्र भट्ट के द्वारा, और इस मूवी को एडिट किया गया है धवल अशोक दर्जी के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं जीत गांगुली के द्वारा, और इस मूवी के अंदर जो बैकग्राउंड स्कोर दिया गया है वो दिया गया है संदीप सरोदकर के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे अब इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की, तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है बॉम्बे फिल्म कंपनी लिमिटेड। और गाइस जो इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वो किया गया है द बॉम्बे फिल्म कंपनी लिमिटेड के द्वारा, और इस मूवी को रिलीज़ किया गया था 15 जनवरी 2018 को, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 6 सॉन्ग्स हैं, और गाइस जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है
वह फिर से का टाइटल ट्रैक, और गाइस जो उस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वह है रोजाना, और गाइस जो उस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वह है मैंने सोचा कि चुरा लूँ, और गाइस जो उस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वह है ये दिल जो है बदमाश है, और इस मूवी के अंदर जो पाँचवा सॉन्ग है वह फिर से का सैड वर्जन, और इस मूवी के अंदर जो छठा और आखिरी सॉन्ग है वह फिर से का रिमैक्स। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर छः सॉन्ग्स हैं, और मतलब सही सॉन्ग्स हैं, वन टाइम के लिए अगर आप सुनेंगे तो आपको मतलब काफ़ी आनंद आएगा इस मूवी के सॉन्ग सुन के, और काफ़ी मज़ा भी आएगा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो इस मूवी को IMDb पर मिला है 10 में से 5.3 की रेटिंग, जो कि इस मीडियम से थोड़ा ही ऊपर है, बट अगर देखा जाए तो मूवी की स्टोरी काफ़ी अच्छी है। क्योंकि गाइस अगर मैं आपको यहाँ पे अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई है और काफ़ी सही स्टोरी है, थोड़ी कॉमेडी है और थोड़ा लव स्टोरी है। अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा, और मतलब आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा इस मूवी को देख के, और आप बोर नहीं होंगे, वन टाइम के लिए काफ़ी अच्छी मूवी है। अगर आप देखेंगे तो मतलब काफ़ी आनंद आएगा आपको इस मूवी को देख के। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के सॉन्ग्स की, तो सॉन्ग्स भी काफ़ी अच्छे हैं, तो मैं सजेस्ट करूँगा आप सॉन्ग्स भी मतलब एक बार ज़रूर सुने इस मूवी के। हाँ तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को, और इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर व्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे फिर से मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है, और किसके द्वारा इसे लिखा गया है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है कुणाल कोहली और अजय भुइया, और इस मूवी को लिखा गया है ज्योति कपूर के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर में आपको देखने के लिए मिलेंगे शिव कुमार। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे कुणाल कोहली और जेनिफर विंगेट। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई मनीष चंद्रा भट्ट के द्वारा, और इस मूवी को एडिट किया गया है धवल अशोक दर्जी के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं जीत गांगुली के द्वारा, और इस मूवी के अंदर जो बैकग्राउंड स्कोर दिया गया है वो दिया गया है संदीप सरोदकर के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे अब इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की, तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है बॉम्बे फिल्म कंपनी लिमिटेड, और गाइस जो इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वो किया गया है द बॉम्बे फिल्म कंपनी लिमिटेड के द्वारा। और इस मूवी को रिलीज़ किया गया था 15 जनवरी 2018 को, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी का साउंड ट्रैक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 6 सॉन्ग्स हैं, और गाइस जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वह है फिर से का टाइटल ट्रैक, और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वह है रोजाना, और गाइस जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वह है मैंने सोचा कि चुरा लूँ, और गाइस जो इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वह है ये दिल जो है बदमाश है, और इस मूवी के अंदर जो पाँचवा सॉन्ग है वह है फिर से का सैड वर्जन, और इस मूवी के अंदर जो छठा और आखिरी सॉन्ग है वह फिर से का रिमैक्स। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 6 सॉन्ग्स हैं, और मतलब सही सॉन्ग्स हैं, वन टाइम के लिए अगर आप सुनेंगे तो आपको मतलब काफ़ी आनंद आएगा इस मूवी के सॉन्ग सुन के, और काफ़ी मज़ा भी आएगा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो इस मूवी को IMDb पर मिला है 10 में से 5.3 की रेटिंग, जो कि इस मीडियम से थोड़ा ही ऊपर है, बट अगर देखा जाए तो मूवी की स्टोरी काफ़ी अच्छी है। क्योंकि गाइस अगर मैं आपको यहाँ पे अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई है और काफ़ी सही स्टोरी है, थोड़ी कॉमेडी है और थोड़ा लव स्टोरी है। अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा, और मतलब आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा इस मूवी को देख के, और आप बोर नहीं होंगे, वन टाइम के लिए काफ़ी अच्छी मूवी है। अगर आप देखेंगे तो मतलब काफ़ी आनंद आएगा आपको इस मूवी को देख के। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के सॉन्ग्स की, तो सॉन्ग्स भी काफ़ी अच्छे हैं, तो मैं सजेस्ट करूँगा आप सॉन्ग्स भी मतलब एक बार ज़रूर सुने इस मूवी के। हाँ तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को, और इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर व्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे फिर से मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है, और किसके द्वारा इसे लिखा गया है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ।
तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है कुणाल कोहली और अजय भुइया, और इस मूवी को लिखा गया है ज्योति कपूर के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर में आपको देखने के लिए मिलेंगे शिव कुमार। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे कुणाल कोहली और जेनिफर विंगेट। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई मनीष चंद्र भट्ट के द्वारा, और इस मूवी को एडिट किया गया है धवल अशोक दर्जी के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं जीत गांगुली के द्वारा, और इस मूवी के अंदर जो बैकग्राउंड स्कोर दिया गया है वो दिया गया है संदीप सरोदकर के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे अब इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की, तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है बॉम्बे फिल्म कंपनी लिमिटेड। और गाइस जो इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वो किया गया है द बॉम्बे फिल्म कंपनी लिमिटेड के द्वारा। और इस मूवी को रिलीज किया गया था 15 जनवरी 2018 को, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी का साउंड ट्रैक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 6 सॉन्ग्स हैं, और गाइस जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वो है फिर से का टाइटल ट्रैक, और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है रोजाना, और गाइस जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है मैंने सोचा कि चुरा लूँ, और गाइस जो इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वो है ये दिल जो है बदमाश है, और इस मूवी के अंदर जो पाँचवा सॉन्ग है वो है फिर से का सैड वर्जन, और इस मूवी के अंदर जो छठा और आखिरी सॉन्ग है वो है फिर से का रिमैक्स। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 6 सॉन्ग्स हैं, और मतलब सही सॉन्ग्स हैं वन टाइम के लिए अगर आप सुनेंगे तो आपको मतलब काफ़ी आनंद आएगा इस मूवी के सॉन्ग सुन के, और काफ़ी मज़ा भी आएगा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो इस मूवी को IMDb पर मिला है 10 में से 5.3 की रेटिंग, जो कि इस मीडियम से थोड़ा ही ऊपर है। बट अगर देखा जाए तो मूवी की स्टोरी काफ़ी अच्छी है, क्योंकि अगर मैं आपको यहाँ पे अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइज़ ये मूवी मेरी देखी हुई है और काफ़ी सही स्टोरी है, थोड़ी कॉमेडी है और थोड़ा लव स्टोरी है। अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा, और मतलब आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा इस मूवी को देख के, और आप बोर नहीं होंगे, वन टाइम के लिए काफ़ी अच्छी मूवी है। अगर आप देखेंगे तो मतलब काफ़ी आनंद आएगा आपको इस मूवी को देख के। और गाइज़ अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के सॉन्ग्स की, तो सॉन्ग्स भी काफ़ी अच्छे हैं, तो मैं सजेस्ट करूँगा आप सॉन्ग्स भी मतलब एक बार ज़रूर सुने इस मूवी के। हाँ तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को, और इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर व्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे फिर से मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है, और किसके द्वारा इसे लिखा गया है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं कुणाल कोहली और अजय भुइया, और इस मूवी को लिखा गया है ज्योति कपूर के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर में आपको देखने के लिए मिलेंगे शिव कुमार। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे कुणाल कोहली और जेनिफर विंगेट। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई मनीष चंद्र भट्ट के द्वारा, और इस मूवी को एडिट किया गया है धवल अशोक दर्जी के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं जीत गांगुली के द्वारा, और इस मूवी के अंदर जो बैकग्राउंड स्कोर दिया गया है वो दिया गया है संदीप सरोदकर के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे अब इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की, तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है बॉम्बे फिल्म कंपनी लिमिटेड। और गाइस जो इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वो किया गया है द बॉम्बे फिल्म कंपनी लिमिटेड के द्वारा, और इस मूवी को रिलीज़ किया गया था 15 जनवरी 2018 को, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी का साउंड ट्रैक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 6 सॉन्ग्स हैं, और गाइस जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वो है फिर से का टाइटल ट्रैक, और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है रोजाना, और गाइस जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है मैंने सोचा कि चुरा लूँ, और गाइस जो इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वो है ये दिल जो है बदमाश है, और इस मूवी के अंदर जो पाँचवा सॉन्ग है वो है फिर से का सैड वर्जन, और इस मूवी के अंदर जो छठा और आखिरी सॉन्ग है वो है फिर से का रिमैक्स। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 6 सॉन्ग्स हैं, और मतलब सही सॉन्ग्स हैं वन टाइम के लिए अगर आप सुनेंगे तो आपको मतलब काफ़ी आनंद आएगा इस मूवी के सॉन्ग सुन के, और काफ़ी मज़ा भी आएगा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो इस मूवी को IMDb पर मिला है 10 में से 5.3 की रेटिंग, जो कि इस मीडियम से थोड़ा ही ऊपर है। बट अगर देखा जाए तो मूवी की स्टोरी काफ़ी अच्छी है, क्योंकि अगर मैं आपको यहाँ पे अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई है और काफ़ी सही स्टोरी है, थोड़ी कॉमेडी है और थोड़ा लव स्टोरी है। अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा, और मतलब आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा इस मूवी को देख के, और आप बोर नहीं होंगे, वन टाइम के लिए काफ़ी अच्छी मूवी है। अगर आप देखेंगे तो मतलब काफ़ी आनंद आएगा आपको इस मूवी को देख के। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के सॉन्ग्स की, तो सॉन्ग्स भी काफ़ी अच्छे हैं, तो मैं सजेस्ट करूँगा आप सॉन्ग्स भी मतलब एक बार ज़रूर सुने इस मूवी के।
हाँ तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए और अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को और इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर व्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर फिर से मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पर मूवी का रिव्यू दूंगा और गाइज मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसे लिखा गया है और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में और मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं कुणाल कोहली और अजय भुइया और इस मूवी को लिखा गया है ज्योति कपूर के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर में आपको देखने के लिए मिलेंगे शिव कुमार। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे कुणाल कोहली और जेनिफर विंगेट। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई मनीष चंद्र भट्ट के द्वारा और इस मूवी को एडिट किया गया है धवल अशोक दर्जी के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं जीत गांगुली के द्वारा और इस मूवी के अंदर जो बैकग्राउंड स्कोर दिया गया है वो दिया गया है संदीप सरोदकर के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे अब इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है बॉम्बे फिल्म कंपनी लिमिटेड। और गाइज जो इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वो किया गया है द बॉम्बे फिल्म कंपनी लिमिटेड के द्वारा। और इस मूवी को रिलीज़ किया गया था 15 जनवरी 2018 को और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी का साउंड ट्रैक की। तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 6 सॉन्ग्स हैं और गाइज जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वह फिर से का टाइटल ट्रैक। और गाइज जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वह रोजाना। और गाइज जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वह मैंने सोचा कि चुरा लूँ। और गाइज जो इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वह ये दिल जो है बदमाश है। और इस मूवी के अंदर जो पाँचवा सॉन्ग है वह फिर से का सैड वर्जन और इस मूवी के अंदर जो छठा और आखिरी सॉन्ग है वह फिर से का रिमैक्स। तो गाइज इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 6 सॉन्ग्स हैं और मतलब सही सॉन्ग्स हैं। वन टाइम के लिए अगर आप सुनेंगे तो आपको मतलब काफ़ी आनंद आएगा इस मूवी के सॉन्ग सुन के और काफ़ी मज़ा भी आएगा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की तो इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.3 की रेटिंग जो कि मीडियम से थोड़ा ही ऊपर है। बट अगर देखा जाए तो मूवी की स्टोरी काफ़ी अच्छी है क्योंकि गाइज अगर मैं आपको यहाँ पे अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में तो गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई है और काफ़ी सही स्टोरी है, थोड़ी कॉमेडी है और थोड़ा लव स्टोरी है। अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा और मतलब आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा इस मूवी को देख के और आप बोर नहीं होंगे। वन टाइम के लिए काफ़ी अच्छी मूवी है, अगर आप देखेंगे तो मतलब काफ़ी आनंद आएगा आपको इस मूवी को देख के। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के सॉन्ग्स की तो सॉन्ग्स भी काफ़ी अच्छे हैं तो मैं सजेस्ट करूँगा आप सॉन्ग्स भी मतलब एक बार ज़रूर सुने इस मूवी के। हाँ तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए और अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को और इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइज आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर व्यूज़ में। तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे फिर से मूवी के बारे में। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा और गाइज मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसे लिखा गया है और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में और मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं कुणाल कोहली और अजय भुइया और इस मूवी को लिखा गया है ज्योति कपूर के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर में आपको देखने के लिए मिलेंगे शिव कुमार। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे कुणाल कोहली और जेनिफर विंगेट। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई मनीष चंद्र भट्ट के द्वारा और इस मूवी को एडिट किया गया है धवल अशोक दर्जी के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं जीत गांगुली के द्वारा और इस मूवी के अंदर जो बैकग्राउंड स्कोर दिया गया है वो दिया गया है संदीप सरोदकर के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे अब इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है बॉम्बे फिल्म कंपनी लिमिटेड। और गाइज जो इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वो किया गया है द बॉम्बे फिल्म कंपनी लिमिटेड के द्वारा और इस मूवी को रिलीज़ किया गया था 15 जनवरी 2018 को और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी का साउंड ट्रैक की। तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 6 सॉन्ग्स हैं और गाइज जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वह फिर से का टाइटल ट्रैक। और गाइज जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वह रोजाना। और गाइज जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वह मैंने सोचा कि चुरा लूँ। और गाइज जो इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वह ये दिल जो है बदमाश है। और इस मूवी के अंदर जो पाँचवा सॉन्ग है वह फिर से का सैड वर्जन और इस मूवी के अंदर जो छठा और आखिरी सॉन्ग है वह फिर से का रिमैक्स। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 6 सॉन्ग्स हैं और मतलब सही सॉन्ग्स हैं। वन टाइम के लिए अगर आप सुनेंगे तो आपको मतलब काफ़ी आनंद आएगा इस मूवी के सॉन्ग सुन के और काफ़ी मज़ा भी आएगा।
तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो इस मूवी को IMDb पर मिला है 10 में से 5.3 की रेटिंग, जो कि इस मीडियम से थोड़ा ही ऊपर है। बट अगर देखा जाए तो मूवी की स्टोरी काफ़ी अच्छी है। क्योंकि गाइस अगर मैं आपको यहाँ पे अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई है और काफ़ी सही स्टोरी है, थोड़ी कॉमेडी है और थोड़ा लव स्टोरी है। अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा और मतलब आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा इस मूवी को देख के, और आप बोर नहीं होंगे। वन टाइम के लिए काफ़ी अच्छी मूवी है, अगर आप देखेंगे तो मतलब काफ़ी आनंद आएगा आपको इस मूवी को देख के। और गाइस अगर हम बात करें आप इस मूवी के सॉन्ग्स की, तो सॉन्ग्स भी काफ़ी अच्छे हैं, तो मैं सजेस्ट करूँगा आप सॉन्ग्स भी मतलब एक बार ज़रूर सुने इस मूवी के। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए और अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को, और इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर व्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे फिर से मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसे लिखा गया है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं कुणाल कोहली और अजय भुइया, और इस मूवी को लिखा गया है ज्योति कपूर के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर में आपको देखने के लिए मिलेंगे शिव कुमार। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे कुणाल कोहली और जेनिफर विंगेट। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई मनीष चंद्रा भट्ट के द्वारा, और इस मूवी को एडिट किया गया है धवल अशोक दर्जी के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं जीत गांगुली के द्वारा, और इस मूवी के अंदर जो बैकग्राउंड स्कोर दिया गया है वो दिया गया है संदीप सरोदकर के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे अब इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की, तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है बॉम्बे फिल्म कंपनी लिमिटेड, और गाइस जो इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वो किया गया है द बॉम्बे फिल्म कंपनी लिमिटेड के द्वारा। और इस मूवी को रिलीज़ किया गया था 15 जनवरी 2018 को, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी का साउंड ट्रैक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 6 सॉन्ग्स हैं, और गाइस जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वह फिर से का टाइटल ट्रैक, और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वह है रोजाना, और गाइस जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वह मैंने सोचा कि चुरा लूँ, और गाइस जो इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वह ये दिल जो है बदमाश है, और इस मूवी के अंदर जो पाँचवा सॉन्ग है वह फिर से का सैड वर्जन, और इस मूवी के अंदर जो छठा और आखिरी सॉन्ग है वह फिर से का रिमैक्स। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 6 सॉन्ग्स हैं, और मतलब सही सॉन्ग्स हैं। वन टाइम के लिए अगर आप सुनेंगे तो आपको मतलब काफ़ी आनंद आएगा इस मूवी के सॉन्ग सुन के, और काफ़ी मज़ा भी आएगा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो इस मूवी को IMDb पर मिला है 10 में से 5.3 की रेटिंग, जो कि इस मीडियम से थोड़ा ही ऊपर है। बट अगर देखा जाए तो मूवी की स्टोरी काफ़ी अच्छी है। क्योंकि गाइस अगर मैं आपको यहाँ पे अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई है और काफ़ी सही स्टोरी है, थोड़ी कॉमेडी है और थोड़ा लव स्टोरी है। अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा और मतलब आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा इस मूवी को देख के, और आप बोर नहीं होंगे। वन टाइम के लिए काफ़ी अच्छी मूवी है, अगर आप देखेंगे तो मतलब काफ़ी आनंद आएगा आपको इस मूवी को देख के। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के सॉन्ग्स की, तो सॉन्ग्स भी काफ़ी अच्छे हैं, तो मैं सजेस्ट करूँगा आप सॉन्ग्स भी मतलब एक बार ज़रूर सुने इस मूवी के। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए और अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को, और इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर व्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे फिर से मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसे लिखा गया है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं कुणाल कोहली और अजय भुइया, और इस मूवी को लिखा गया है ज्योति कपूर के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर में आपको देखने के लिए मिलेंगे शिव कुमार। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे कुणाल कोहली और जेनिफर विंगेट। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई मनीष चंद्रा भट्ट के द्वारा, और इस मूवी को एडिट किया गया है धवल अशोक दर्जी के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं जीत गांगुली के द्वारा, और इस मूवी के अंदर जो बैकग्राउंड स्कोर दिया गया है वो दिया गया है संदीप सरोदकर के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे अब इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की, तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है बॉम्बे फिल्म कंपनी लिमिटेड,
और गाइज जो इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वो किया गया है द बॉम्बे फिल्म कंपनी लिमिटेड के द्वारा, और इस मूवी को रिलीज़ किया गया था 15 जनवरी 2018 को, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी का साउंड ट्रैक की। तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 6 सॉन्ग्स हैं, और गाइज जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वह है फिर से का टाइटल ट्रैक, और गाइज जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वह है रोजाना, और गाइज जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वह है मैंने सोचा कि चुरा लूँ, और गाइज जो इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वह ये दिल जो है बदमाश है, और इस मूवी के अंदर जो 5वां सॉन्ग है वह फिर से का सैड वर्जन, और इस मूवी के अंदर जो छठा और आखिरी सॉन्ग है वह फिर से का रिमैक्स। तो गाइज इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 6 सॉन्ग्स हैं, और मतलब सही सॉन्ग्स हैं, वन टाइम के लिए अगर आप सुनेंगे तो आपको मतलब काफ़ी आनंद आएगा इस मूवी के सॉन्ग सुन के, और काफ़ी मज़ा भी आएगा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.3 की रेटिंग, जो कि इस मीडियम से थोड़ा ही ऊपर है, बट अगर देखा जाए तो मूवी की स्टोरी काफ़ी अच्छी है। क्योंकि गाइज अगर मैं आपको यहाँ पे अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई है और काफ़ी सही स्टोरी है, थोड़ी कॉमेडी है और थोड़ा लव स्टोरी है। अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा, और मतलब आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा इस मूवी को देख के, और आप बोर नहीं होंगे, वन टाइम के लिए काफ़ी अच्छी मूवी है, अगर आप देखेंगे तो मतलब काफ़ी आनंद आएगा आपको इस मूवी को देख के। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के सॉन्ग्स की, तो सॉन्ग्स भी काफ़ी अच्छे हैं, तो मैं सजेस्ट करूँगा आप सॉन्ग्स भी मतलब एक बार ज़रूर सुने इस मूवी के। हाँ तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को, और इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइज आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर व्यूज़ में। तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे फिर से मूवी के बारे में। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइज मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि मैं यहाँ पे कोई मूवी के क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है, और किसके द्वारा इसे लिखा गया है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइज इस मूवी का जो डायरेक्टर है वो है कुणाल कोहली और अजय भुइया, और इस मूवी को लिखा गया है ज्योति कपूर के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की, तो गाइज इस मूवी के प्रोड्यूसर में आपको देखने के लिए मिलेंगे शिव कुमार। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे कुणाल कोहली और जेनिफर विंगेट। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइज इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई मनीष चंद्र भट्ट के द्वारा, और इस मूवी को एडिट किया गया है धवल अशोक दर्जी के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं जीत गांगुली के द्वारा, और इस मूवी के अंदर जो बैकग्राउंड स्कोर दिया गया है वो दिया गया है संदीप सरोदकर के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे अब इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की, तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है बॉम्बे फिल्म कंपनी लिमिटेड, और गाइज जो इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वो किया गया है द बॉम्बे फिल्म कंपनी लिमिटेड के द्वारा, और इस मूवी को रिलीज़ किया गया था 15 जनवरी 2018 को, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी का साउंड ट्रैक की। तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 6 सॉन्ग्स हैं, और गाइज जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वह फिर से का टाइटल ट्रैक, और गाइज जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वह रोजाना, और गाइज जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वह मैंने सोचा कि चुरा लूँ, और गाइज जो इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वह ये दिल जो है बदमाश है, और इस मूवी के अंदर जो 5वां सॉन्ग है वह फिर से का सैड वर्जन, और इस मूवी के अंदर जो छठा और आखिरी सॉन्ग है वह फिर से का रिमैक्स। तो गाइज इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 6 सॉन्ग्स हैं, और मतलब सही सॉन्ग्स हैं, वन टाइम के लिए अगर आप सुनेंगे तो आपको मतलब काफ़ी आनंद आएगा इस मूवी के सॉन्ग सुन के, और काफ़ी मज़ा भी आएगा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.3 की रेटिंग, जो कि इस मीडियम से थोड़ा ही ऊपर है, बट अगर देखा जाए तो मूवी की स्टोरी काफ़ी अच्छी है। क्योंकि गाइज अगर मैं आपको यहाँ पे अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई है और काफ़ी सही स्टोरी है, थोड़ी कॉमेडी है और थोड़ा लव स्टोरी है। अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा, और मतलब आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा इस मूवी को देख के, और आप बोर नहीं होंगे, वन टाइम के लिए काफ़ी अच्छी मूवी है, अगर आप देखेंगे तो मतलब काफ़ी आनंद आएगा आपको इस मूवी को देख के। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के सॉन्ग्स की, तो सॉन्ग्स भी काफ़ी अच्छे हैं, तो मैं सजेस्ट करूँगा आप सॉन्ग्स भी मतलब एक बार ज़रूर सुने इस मूवी के। हाँ तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को, और इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइज आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर व्यूज़ में। तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे फिर से मूवी के बारे में। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइज मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है, और किसके द्वारा इसे लिखा गया है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइज इस मूवी का जो डायरेक्टर है वो है कुणाल कोहली और अजय भुइया, और इस मूवी को लिखा गया है ज्योति कपूर के द्वारा,
और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की, तो गाइज इस मूवी के प्रोड्यूसर में आपको देखने के लिए मिलेंगे शिव कुमार। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे कुणाल कोहली और जेनिफर विंगेट। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइज इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई मनीष चंद्रा भट्ट के द्वारा, और इस मूवी को एडिट किया गया है धवल अशोक दर्जी के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं जीत गांगुली के द्वारा, और इस मूवी के अंदर जो बैकग्राउंड स्कोर दिया गया है वो दिया गया है संदीप सरोदकर के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे अब इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की, तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है बॉम्बे फिल्म कंपनी लिमिटेड। और गाइज जो इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वो किया गया है द बॉम्बे फिल्म कंपनी लिमिटेड के द्वारा। और इस मूवी को रिलीज किया गया था 15 जनवरी 2018 को, और ये इंडिया के हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी का साउंड ट्रैक की। तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 6 सॉन्ग्स हैं, और गाइज जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वह है फिर से का टाइटल ट्रैक, और गाइज जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वह है रोजाना, और गाइज जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वह है मैंने सोचा कि चुरा लूँ, और गाइज जो इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वह है ये दिल जो है बदमाश है, और इस मूवी के अंदर जो पाँचवा सॉन्ग है वह है फिर से का सैड वर्जन, और इस मूवी के अंदर जो छठा और आखिरी सॉन्ग है वह फिर से का रिमैक्स। तो गाइज इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 6 सॉन्ग्स हैं, और मतलब सही सॉन्ग्स हैं। वन टाइम के लिए अगर आप सुनेंगे तो आपको मतलब काफ़ी आनंद आएगा इस मूवी के सॉन्ग सुन के, और काफ़ी मज़ा भी आएगा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.3 की रेटिंग, जो कि इस मीडियम से थोड़ा ही ऊपर है। बट अगर देखा जाए तो मूवी की स्टोरी काफ़ी अच्छी है, क्योंकि गाइज अगर मैं आपको यहाँ पे अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई है और काफ़ी सही स्टोरी है, थोड़ी कॉमेडी है और थोड़ा लव स्टोरी है। अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा, और मतलब आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा इस मूवी को देख के, और आप बोर नहीं होंगे। वन टाइम के लिए काफ़ी अच्छी मूवी है, अगर आप देखेंगे तो मतलब काफ़ी आनंद आएगा आपको इस मूवी को देख के। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के सॉन्ग्स की, तो सॉन्ग्स भी काफ़ी अच्छे हैं, तो मैं सजेस्ट करूँगा आप सॉन्ग्स भी मतलब एक बार ज़रूर सुने इस मूवी के। हाँ, तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को, और इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइज, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर व्यूज़ में। तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे फिर से मूवी के बारे में। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइज मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है, और किसके द्वारा इसे लिखा गया है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइज इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है कुणाल कोहली और अजय भुइया, और इस मूवी को लिखा गया है ज्योति कपूर के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की, तो गाइज इस मूवी के प्रोड्यूसर में आपको देखने के लिए मिलेंगे शिव कुमार। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे कुणाल कोहली और जेनिफर विंगेट। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइज इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई मनीष चंद्रा भट्ट के द्वारा, और इस मूवी को एडिट किया गया है धवल अशोक दर्जी के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं जीत गांगुली के द्वारा, और इस मूवी के अंदर जो बैकग्राउंड स्कोर दिया गया है वो दिया गया है संदीप सरोदकर के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे अब इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की, तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है बॉम्बे फिल्म कंपनी लिमिटेड। और गाइज जो इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वो किया गया है द बॉम्बे फिल्म कंपनी लिमिटेड के द्वारा। और इस मूवी को रिलीज किया गया था 15 जनवरी 2018 को, और ये इंडिया के हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 6 सॉन्ग्स हैं, और गाइज जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वह फिर से का टाइटल ट्रैक, और गाइज जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वह रोजाना, और गाइज जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वह मैंने सोचा कि चुरा लूँ, और गाइज जो इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वह ये दिल जो है बदमाश है, और इस मूवी के अंदर जो पाँचवा सॉन्ग है वह फिर से का सैड वर्जन, और इस मूवी के अंदर जो छठा और आखिरी सॉन्ग है वह फिर से का रिमैक्स। तो गाइज इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 6 सॉन्ग्स हैं, और मतलब सही सॉन्ग्स हैं। वन टाइम के लिए अगर आप सुनेंगे तो आपको मतलब काफ़ी आनंद आएगा इस मूवी के सॉन्ग सुन के, और काफ़ी मज़ा भी आएगा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.3 की रेटिंग, जो कि इस मीडियम से थोड़ा ही ऊपर है। बट अगर देखा जाए तो मूवी की स्टोरी काफ़ी अच्छी है, क्योंकि गाइज अगर मैं आपको यहाँ पे अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई है और काफ़ी सही स्टोरी है, थोड़ी कॉमेडी है और थोड़ा लव स्टोरी है। अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा, और मतलब आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा इस मूवी को देख के, और आप बोर नहीं होंगे। वन टाइम के लिए काफ़ी अच्छी मूवी है, अगर आप देखेंगे तो मतलब काफ़ी आनंद आएगा आपको इस मूवी को देख के। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के सॉन्ग्स की, तो सॉन्ग्स भी काफ़ी अच्छे हैं, तो मैं सजेस्ट करूँगा आप सॉन्ग्स भी मतलब एक बार ज़रूर सुने इस मूवी के। हाँ, तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को, और इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।
हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर व्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे फिर से मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसे लिखा गया है और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में और मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस इस मूवी का जो डायरेक्टर है वो है कुणाल कोहली और अजय भुइया और इस मूवी को लिखा गया है ज्योति कपूर के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर में आपको देखने के लिए मिलेंगे शिव कुमार। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे कुणाल कोहली और जेनिफर विंगेट। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई मनीष चंद्र भट्ट के द्वारा और इस मूवी को एडिट किया गया है धवल अशोक दर्जी के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं जीत गांगुली के द्वारा और इस मूवी के अंदर जो बैकग्राउंड स्कोर दिया गया है वो दिया गया है संदीप सरोदकर के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे अब इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है बॉम्बे फिल्म कंपनी लिमिटेड। और गाइस जो इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वो किया गया है द बॉम्बे फिल्म कंपनी लिमिटेड के द्वारा। और इस मूवी को रिलीज़ किया गया था 15 जनवरी 2018 को और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी का साउंड ट्रैक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 6 सॉन्ग्स हैं और गाइस जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वो है फिर से का टाइटल ट्रैक। और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है रोजाना। और गाइस जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है मैंने सोचा कि चुरा लूँ। और गाइस जो इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वो है ये दिल जो है बदमाश है। और इस मूवी के अंदर जो पाँचवा सॉन्ग है वो है फिर से का सैड वर्जन। और इस मूवी के अंदर जो छठा और आखिरी सॉन्ग है वो है फिर से का रिमैक्स। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 6 सॉन्ग्स हैं और मतलब सही सॉन्ग्स हैं। वन टाइम के लिए अगर आप सुनेंगे तो आपको मतलब काफ़ी आनंद आएगा इस मूवी के सॉन्ग सुन के और काफ़ी मज़ा भी आएगा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की तो इस मूवी को IMDb पर मिला है 10 में से 5.3 की रेटिंग जो कि इस मीडियम से थोड़ा ही ऊपर है। बट अगर देखा जाए तो मूवी की स्टोरी काफ़ी अच्छी है क्योंकि गाइस अगर मैं आपको यहाँ पे अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई है और काफ़ी सही स्टोरी है। थोड़ी कॉमेडी है और थोड़ा लव स्टोरी है। अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा और मतलब आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा इस मूवी को देख के और आप बोर नहीं होंगे। वन टाइम के लिए काफ़ी अच्छी मूवी है। अगर आप देखेंगे तो मतलब काफ़ी आनंद आएगा आपको इस मूवी को देख के। और गाइस अगर हम बात करें आप इस मूवी के सॉन्ग्स की तो सॉन्ग्स भी काफ़ी अच्छे हैं तो मैं सजेस्ट करूँगा आप सॉन्ग्स भी मतलब एक बार ज़रूर सुने इस मूवी के। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए और अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को और इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर व्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे फिर से मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसे लिखा गया है और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में और मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस इस मूवी का जो डायरेक्टर है वो है कुणाल कोहली और अजय भुइया और इस मूवी को लिखा गया है ज्योति कपूर के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर में आपको देखने के लिए मिलेंगे शिव कुमार। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे कुणाल कोहली और जेनिफर विंगेट। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई मनीष चंद्र भट्ट के द्वारा और इस मूवी को एडिट किया गया है धवल अशोक दर्जी के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं जीत गांगुली के द्वारा और इस मूवी के अंदर जो बैकग्राउंड स्कोर दिया गया है वो दिया गया है संदीप सरोदकर के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे अब इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है बॉम्बे फिल्म कंपनी लिमिटेड। और गाइस जो इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वो किया गया है द बॉम्बे फिल्म कंपनी लिमिटेड के द्वारा। और इस मूवी को रिलीज़ किया गया था 15 जनवरी 2018 को और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 6 सॉन्ग्स हैं और गाइस जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वो है फिर से का टाइटल ट्रैक। और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है रोजाना। और गाइस जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है मैंने सोचा कि चुरा लूँ। और गाइस जो इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वो है ये दिल जो है बदमाश है। और इस मूवी के अंदर जो पाँचवा सॉन्ग है वह फिर से का सैड वर्जन। और इस मूवी के अंदर जो छठा और आखिरी सॉन्ग है वह फिर से का रिमैक्स। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 6 सॉन्ग्स हैं और मतलब सही सॉन्ग्स हैं। वन टाइम के लिए अगर आप सुनेंगे तो आपको मतलब काफ़ी आनंद आएगा इस मूवी के सॉन्ग सुन के और काफ़ी मज़ा भी आएगा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की तो इस मूवी को IMDb पर मिला है 10 में से 5.3 की रेटिंग जो कि इस मीडियम से थोड़ा ही ऊपर है। बट अगर देखा जाए तो मूवी की स्टोरी काफ़ी अच्छी है
क्योंकि गाइज अगर मैं आपको यहाँ पे अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई है और काफ़ी सही स्टोरी है, थोड़ी कॉमेडी है और थोड़ा लव स्टोरी है। अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा और मतलब आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा इस मूवी को देख के, और आप बोर नहीं होंगे। वन टाइम के लिए काफ़ी अच्छी मूवी है, अगर आप देखेंगे तो मतलब काफ़ी आनंद आएगा आपको इस मूवी को देख के। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के सॉन्ग्स की, तो सॉन्ग्स भी काफ़ी अच्छे हैं, तो मैं सजेस्ट करूँगा आप सॉन्ग्स भी मतलब एक बार ज़रूर सुने इस मूवी के। हाँ तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए और अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को, और इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर व्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे फिर से मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइज मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसे लिखा गया है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइज इस मूवी का जो डायरेक्टर है वो है कुणाल कोहली और अजय भुइया, और इस मूवी को लिखा गया है ज्योति कपूर के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की, तो गाइज इस मूवी के प्रोड्यूसर में आपको देखने के लिए मिलेंगे शिव कुमार। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे कुणाल कोहली और जेनिफर विंगेट। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइज इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई मनीष चंद्र भट्ट के द्वारा, और इस मूवी को एडिट किया गया है धवल अशोक दर्जी के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं जीत गांगुली के द्वारा, और इस मूवी के अंदर जो बैकग्राउंड स्कोर दिया गया है वो दिया गया है संदीप सरोदकर के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे अब इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की, तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है बॉम्बे फिल्म कंपनी लिमिटेड, और गाइज जो इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वो किया गया है द बॉम्बे फिल्म कंपनी लिमिटेड के द्वारा। और इस मूवी को रिलीज़ किया गया था 15 जनवरी 2018 को, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी का साउंड ट्रैक की। तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 6 सॉन्ग्स हैं, और गाइज जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वो है फिर से का टाइटल ट्रैक, और गाइज जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है रोजाना, और गाइज जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है मैंने सोचा कि चुरा लूँ, और गाइज जो इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वो है ये दिल जो है बदमाश है, और इस मूवी के अंदर जो पाँचवा सॉन्ग है वो है फिर से का सैड वर्जन, और इस मूवी के अंदर जो छठा और आखिरी सॉन्ग है वो है फिर से का रिमैक्स। तो गाइज इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 6 सॉन्ग्स हैं, और मतलब सही सॉन्ग्स हैं। वन टाइम के लिए अगर आप सुनेंगे तो आपको मतलब काफ़ी आनंद आएगा इस मूवी के सॉन्ग सुन के, और काफ़ी मज़ा भी आएगा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो इस मूवी को IMDb पर मिला है 10 में से 5.3 की रेटिंग, जो कि मीडियम से थोड़ा ही ऊपर है। बट अगर देखा जाए तो मूवी की स्टोरी काफ़ी अच्छी है, क्योंकि गाइज अगर मैं आपको यहाँ पे अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई है और काफ़ी सही स्टोरी है, थोड़ी कॉमेडी है और थोड़ा लव स्टोरी है। अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा और मतलब आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा इस मूवी को देख के, और आप बोर नहीं होंगे। वन टाइम के लिए काफ़ी अच्छी मूवी है, अगर आप देखेंगे तो मतलब काफ़ी आनंद आएगा आपको इस मूवी को देख के। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के सॉन्ग्स की, तो सॉन्ग्स भी काफ़ी अच्छे हैं, तो मैं सजेस्ट करूँगा आप सॉन्ग्स भी मतलब एक बार ज़रूर सुने इस मूवी के। हाँ तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए और अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को, और इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइज, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर व्यूज़ में। तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे फिर से मूवी के बारे में। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइज मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसे लिखा गया है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइज इस मूवी का जो डायरेक्टर है वो है कुणाल कोहली और अजय भुइया, और इस मूवी को लिखा गया है ज्योति कपूर के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की, तो गाइज इस मूवी के प्रोड्यूसर में आपको देखने के लिए मिलेंगे शिव कुमार। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे कुणाल कोहली और जेनिफर विंगेट। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइज इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई मनीष चंद्र भट्ट के द्वारा, और इस मूवी को एडिट किया गया है धवल अशोक दर्जी के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं जीत गांगुली के द्वारा, और इस मूवी के अंदर जो बैकग्राउंड स्कोर दिया गया है वो दिया गया है संदीप सरोदकर के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे अब इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की, तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है बॉम्बे फिल्म कंपनी लिमिटेड, और गाइज जो इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वो किया गया है द बॉम्बे फिल्म कंपनी लिमिटेड के द्वारा। और इस मूवी को रिलीज़ किया गया था 15 जनवरी 2018 को, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी का साउंड ट्रैक की। तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 6 सॉन्ग्स हैं, और गाइज जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है
वह फिर से का टाइटल ट्रैक, और गाइस जो उस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वह रोजाना, और गाइस जो उस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वह मैंने सोचा कि चुरा लूँ, और गाइस जो उस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वह ये दिल जो है बदमाश है, और इस मूवी के अंदर जो पाँचवा सॉन्ग है वह फिर से का सैड वर्जन, और इस मूवी के अंदर जो छठा और आखिरी सॉन्ग है वह फिर से का रिमैक्स। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर छः सॉन्ग्स हैं, और मतलब सही सॉन्ग्स हैं, वन टाइम के लिए अगर आप सुनेंगे तो आपको मतलब काफ़ी आनंद आएगा इस मूवी के सॉन्ग सुन के, और काफ़ी मज़ा भी आएगा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो इस मूवी को IMDb पर मिला है 10 में से 5.3 की रेटिंग, जो कि मीडियम से थोड़ा ही ऊपर है। बट अगर देखा जाए तो मूवी की स्टोरी काफ़ी अच्छी है, क्योंकि गाइस अगर मैं आपको यहाँ पे अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई है और काफ़ी सही स्टोरी है, थोड़ी कॉमेडी है और थोड़ा लव स्टोरी है। अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा, और मतलब आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा इस मूवी को देख के, और आप बोर नहीं होंगे, वन टाइम के लिए काफ़ी अच्छी मूवी है। अगर आप देखेंगे तो मतलब काफ़ी आनंद आएगा आपको इस मूवी को देख के। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के सॉन्ग्स की, तो सॉन्ग्स भी काफ़ी अच्छे हैं, तो मैं सजेस्ट करूँगा आप सॉन्ग्स भी मतलब एक बार ज़रूर सुने इस मूवी के। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को, और इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर व्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे फिर से मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है, और किसके द्वारा इसे लिखा गया है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं कुणाल कोहली और अजय भुइया, और इस मूवी को लिखा गया है ज्योति कपूर के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर में आपको देखने के लिए मिलेंगे शिव कुमार। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे कुणाल कोहली और जेनिफर विंगेट। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई मनीष चंद्रा भट्ट के द्वारा, और इस मूवी को एडिट किया गया है धवल अशोक दर्जी के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं जीत गांगुली के द्वारा, और इस मूवी के अंदर जो बैकग्राउंड स्कोर दिया गया है वो दिया गया है संदीप सरोदकर के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे अब इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की, तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है बॉम्बे फिल्म कंपनी लिमिटेड, और गाइस जो इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वो किया गया है द बॉम्बे फिल्म कंपनी लिमिटेड के द्वारा। और इस मूवी को रिलीज़ किया गया था 15 जनवरी 2018 को, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 6 सॉन्ग्स हैं, और गाइस जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वह फिर से का टाइटल ट्रैक, और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वह रोजाना, और गाइस जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वह मैंने सोचा कि चुरा लूँ, और गाइस जो इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वह ये दिल जो है बदमाश है, और इस मूवी के अंदर जो पाँचवा सॉन्ग है वह फिर से का सैड वर्जन, और इस मूवी के अंदर जो छठा और आखिरी सॉन्ग है वह फिर से का रिमैक्स। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 6 सॉन्ग्स हैं, और मतलब सही सॉन्ग्स हैं, वन टाइम के लिए अगर आप सुनेंगे तो आपको मतलब काफ़ी आनंद आएगा इस मूवी के सॉन्ग सुन के, और काफ़ी मज़ा भी आएगा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो इस मूवी को IMDb पर मिला है 10 में से 5.3 की रेटिंग, जो कि मीडियम से थोड़ा ही ऊपर है। बट अगर देखा जाए तो मूवी की स्टोरी काफ़ी अच्छी है, क्योंकि गाइस अगर मैं आपको यहाँ पे अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई है और काफ़ी सही स्टोरी है, थोड़ी कॉमेडी है और थोड़ा लव स्टोरी है। अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा, और मतलब आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा इस मूवी को देख के, और आप बोर नहीं होंगे, वन टाइम के लिए काफ़ी अच्छी मूवी है। अगर आप देखेंगे तो मतलब काफ़ी आनंद आएगा आपको इस मूवी को देख के। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के सॉन्ग्स की, तो सॉन्ग्स भी काफ़ी अच्छे हैं, तो मैं सजेस्ट करूँगा आप सॉन्ग्स भी मतलब एक बार ज़रूर सुने इस मूवी के। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को, और इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर व्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे फिर से मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है, और किसके द्वारा इसे लिखा गया है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं कुणाल कोहली और अजय भुइया, और इस मूवी को लिखा गया है ज्योति कपूर के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर में आपको देखने के लिए मिलेंगे शिव कुमार।
और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे कुणाल कोहली और जेनिफर विंगेट। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई मनीष चंद्र भट्ट के द्वारा, और इस मूवी को एडिट किया गया है धवल अशोक दर्जी के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं जीत गांगुली के द्वारा, और इस मूवी के अंदर जो बैकग्राउंड स्कोर दिया गया है वो दिया गया है संदीप सरोदकर के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे अब इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की, तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है बॉम्बे फिल्म कंपनी लिमिटेड, और गाइज जो इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वो किया गया है द बॉम्बे फिल्म कंपनी लिमिटेड के द्वारा। और इस मूवी को रिलीज़ किया गया था 15 जनवरी 2018 को, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी का साउंड ट्रैक की। तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 6 सॉन्ग्स हैं, और गाइज जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वो है फिर से का टाइटल ट्रैक, और गाइज जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है रोजाना, और गाइज जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है मैंने सोचा कि चुरा लूँ, और गाइज जो इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वो है ये दिल जो है बदमाश है, और इस मूवी के अंदर जो पाँचवा सॉन्ग है वो है फिर से का सैड वर्जन, और इस मूवी के अंदर जो छठा और आखिरी सॉन्ग है वो है फिर से का रिमैक्स। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 6 सॉन्ग्स हैं, और मतलब सही सॉन्ग्स हैं वन टाइम के लिए अगर आप सुनेंगे तो आपको मतलब काफ़ी आनंद आएगा इस मूवी के सॉन्ग सुन के, और काफ़ी मज़ा भी आएगा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो इस मूवी को IMDb पर मिला है 10 में से 5.3 की रेटिंग, जो कि इस मीडियम से थोड़ा ही ऊपर है, बट अगर देखा जाए तो मूवी की स्टोरी काफ़ी अच्छी है। क्योंकि अगर मैं आपको यहाँ पे अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई है और काफ़ी सही स्टोरी है, थोड़ी कॉमेडी है और थोड़ा लव स्टोरी है। अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा, और मतलब आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा इस मूवी को देख के, और आप बोर नहीं होंगे, वन टाइम के लिए काफ़ी अच्छी मूवी है। अगर आप देखेंगे तो मतलब काफ़ी आनंद आएगा आपको इस मूवी को देख के। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के सॉन्ग्स की, तो सॉन्ग्स भी काफ़ी अच्छे हैं, तो मैं सजेस्ट करूँगा आप सॉन्ग्स भी मतलब एक बार ज़रूर सुने इस मूवी के। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को, और इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइज आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर व्यूज़ में। तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे फिर से मूवी के बारे में। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइज मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि मैं यहाँ पे कोई मूवी के क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है, और किसके द्वारा इसे लिखा गया है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस इस मूवी का जो डायरेक्टर है वो है कुणाल कोहली और अजय भुइया, और इस मूवी को लिखा गया है ज्योति कपूर के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर में आपको देखने के लिए मिलेंगे शिव कुमार। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे कुणाल कोहली और जेनिफर विंगेट। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई मनीष चंद्र भट्ट के द्वारा, और इस मूवी को एडिट किया गया है धवल अशोक दर्जी के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं जीत गांगुली के द्वारा, और इस मूवी के अंदर जो बैकग्राउंड स्कोर दिया गया है वो दिया गया है संदीप सरोदकर के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे अब इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की, तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है बॉम्बे फिल्म कंपनी लिमिटेड, और गाइज जो इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वो किया गया है द बॉम्बे फिल्म कंपनी लिमिटेड के द्वारा। और इस मूवी को रिलीज़ किया गया था 15 जनवरी 2018 को, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी का साउंड ट्रैक की। तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 6 सॉन्ग्स हैं, और गाइज जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वो है फिर से का टाइटल ट्रैक, और गाइज जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है रोजाना, और गाइज जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है मैंने सोचा कि चुरा लूँ, और गाइज जो इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वो है ये दिल जो है बदमाश है, और इस मूवी के अंदर जो पाँचवा सॉन्ग है वो है फिर से का सैड वर्जन, और इस मूवी के अंदर जो छठा और आखिरी सॉन्ग है वो है फिर से का रिमैक्स। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 6 सॉन्ग्स हैं, और मतलब सही सॉन्ग्स हैं वन टाइम के लिए अगर आप सुनेंगे तो आपको मतलब काफ़ी आनंद आएगा इस मूवी के सॉन्ग सुन के, और काफ़ी मज़ा भी आएगा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो इस मूवी को IMDb पर मिला है 10 में से 5.3 की रेटिंग, जो कि इस मीडियम से थोड़ा ही ऊपर है, बट अगर देखा जाए तो मूवी की स्टोरी काफ़ी अच्छी है। क्योंकि अगर मैं आपको यहाँ पे अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई है और काफ़ी सही स्टोरी है, थोड़ी कॉमेडी है और थोड़ा लव स्टोरी है। अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा, और मतलब आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा इस मूवी को देख के, और आप बोर नहीं होंगे, वन टाइम के लिए काफ़ी अच्छी मूवी है। अगर आप देखेंगे तो मतलब काफ़ी आनंद आएगा आपको इस मूवी को देख के। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के सॉन्ग्स की, तो सॉन्ग्स भी काफ़ी अच्छे हैं, तो मैं सजेस्ट करूँगा आप सॉन्ग्स भी मतलब एक बार ज़रूर सुने इस मूवी के। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को, और इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।
हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर व्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे फिर से मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि मैं यहाँ पे कोई मूवी के लिए पेपर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसे लिखा गया है और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में और मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं कुणाल कोहली और अजय भुइया और इस मूवी को लिखा गया है ज्योति कपूर के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर में आपको देखने के लिए मिलेंगे शिव कुमार। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे कुणाल कोहली और जेनिफर विंगेट। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई मनीष चंद्रा भट्ट के द्वारा और इस मूवी को एडिट किया गया है धवल अशोक दर्जी के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं जीत गांगुली के द्वारा और इस मूवी के अंदर जो बैकग्राउंड स्कोर दिया गया है वो दिया गया है संदीप सरोदकर के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे अब इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है बॉम्बे फिल्म कंपनी लिमिटेड। और गाइस जो इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वो किया गया है द बॉम्बे फिल्म कंपनी लिमिटेड के द्वारा। और इस मूवी को रिलीज़ किया गया था 15 जनवरी 2018 को और ये इंडिया के हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी का साउंड ट्रैक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 6 सॉन्ग्स हैं और गाइस जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वह है फिर से का टाइटल ट्रैक। और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वह है रोजाना। और गाइस जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वह है मैंने सोचा कि चुरा लूँ। और गाइस जो इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वह है ये दिल जो है बदमाश है। और इस मूवी के अंदर जो पाँचवा सॉन्ग है वह है फिर से का सैड वर्जन। और इस मूवी के अंदर जो छठा और आखिरी सॉन्ग है वह फिर से का रिमैक्स। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 6 सॉन्ग्स हैं और मतलब सही सॉन्ग्स हैं। वन टाइम के लिए अगर आप सुनेंगे तो आपको मतलब काफ़ी आनंद आएगा इस मूवी के सॉन्ग सुन के और काफ़ी मज़ा भी आएगा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की तो इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.3 की रेटिंग, जो कि इस मीडियम से थोड़ा ही ऊपर है। बट अगर देखा जाए तो मूवी की स्टोरी काफ़ी अच्छी है। क्योंकि गाइस अगर मैं आपको यहाँ पे अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई है और काफ़ी सही स्टोरी है, थोड़ी कॉमेडी है और थोड़ा लव स्टोरी है। अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा और मतलब आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा इस मूवी को देख के और आप बोर नहीं होंगे। वन टाइम के लिए काफ़ी अच्छी मूवी है, अगर आप देखेंगे तो मतलब काफ़ी आनंद आएगा आपको इस मूवी को देख के। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के सॉन्ग्स की तो सॉन्ग्स भी काफ़ी अच्छे हैं, तो मैं सजेस्ट करूँगा आप सॉन्ग्स भी मतलब एक बार ज़रूर सुने इस मूवी के। हाँ तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए और अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को और इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर व्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे फिर से मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पे कोई मूवी के लिए पेपर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसे लिखा गया है और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में और मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं कुणाल कोहली और अजय भुइया और इस मूवी को लिखा गया है ज्योति कपूर के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर में आपको देखने के लिए मिलेंगे शिव कुमार। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे कुणाल कोहली और जेनिफर विंगेट। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई मनीष चंद्रा भट्ट के द्वारा और इस मूवी को एडिट किया गया है धवल अशोक दर्जी के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं जीत गांगुली के द्वारा और इस मूवी के अंदर जो बैकग्राउंड स्कोर दिया गया है वो दिया गया है संदीप सरोदकर के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे अब इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है बॉम्बे फिल्म कंपनी लिमिटेड। और गाइस जो इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वो किया गया है द बॉम्बे फिल्म कंपनी लिमिटेड के द्वारा। और इस मूवी को रिलीज़ किया गया था 15 जनवरी 2018 को और ये इंडिया के हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी का साउंड ट्रैक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 6 सॉन्ग्स हैं और गाइस जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वह है फिर से का टाइटल ट्रैक। और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वह है रोजाना। और गाइस जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वह है मैंने सोचा कि चुरा लूँ। और गाइस जो इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वह है ये दिल जो है बदमाश है। और इस मूवी के अंदर जो पाँचवा सॉन्ग है वह है फिर से का सैड वर्जन। और इस मूवी के अंदर जो छठा और आखिरी सॉन्ग है वह फिर से का रिमैक्स। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 6 सॉन्ग्स हैं और मतलब सही सॉन्ग्स हैं। वन टाइम के लिए अगर आप सुनेंगे तो आपको मतलब काफ़ी आनंद आएगा इस मूवी के सॉन्ग सुन के और काफ़ी मज़ा भी आएगा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की तो इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.3 की रेटिंग, जो कि इस मीडियम से थोड़ा ही ऊपर है।
बट अगर देखा जाए तो मूवी की स्टोरी काफ़ी अच्छी है। क्योंकि गाइज अगर मैं आपको यहाँ पे अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई है और काफ़ी सही स्टोरी है, थोड़ी कॉमेडी है और थोड़ा लव स्टोरी है। अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा और मतलब आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा इस मूवी को देख के, और आप बोर नहीं होंगे। वन टाइम के लिए काफ़ी अच्छी मूवी है, अगर आप देखेंगे तो मतलब काफ़ी आनंद आएगा आपको इस मूवी को देख के। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के सॉन्ग्स की, तो सॉन्ग्स भी काफ़ी अच्छे हैं, तो मैं सजेस्ट करूँगा आप सॉन्ग्स भी मतलब एक बार ज़रूर सुने इस मूवी के। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए और अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को, और इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइज आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर व्यूज़ में। तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे फिर से मूवी के बारे में। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइज मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसे लिखा गया है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं कुणाल कोहली और अजय भुइया, और इस मूवी को लिखा गया है ज्योति कपूर के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर में आपको देखने के लिए मिलेंगे शिव कुमार। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे कुणाल कोहली और जेनिफर विंगेट। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई मनीष चंद्रा भट्ट के द्वारा, और इस मूवी को एडिट किया गया है धवल अशोक दर्जी के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं जीत गांगुली के द्वारा, और इस मूवी के अंदर जो बैकग्राउंड स्कोर दिया गया है वो दिया गया है संदीप सरोदकर के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे अब इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की, तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है बॉम्बे फिल्म कंपनी लिमिटेड, और गाइज जो इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वो किया गया है द बॉम्बे फिल्म कंपनी लिमिटेड के द्वारा। और इस मूवी को रिलीज़ किया गया था 15 जनवरी 2018 को, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी का साउंड ट्रैक की। तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 6 सॉन्ग्स हैं, और गाइज इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वह फिर से का टाइटल ट्रैक, और गाइज उस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वह है रोजाना, और गाइज उस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वह है मैंने सोचा कि चुरा लूं, और गाइज उस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वह है ये दिल जो है बदमाश है, और इस मूवी के अंदर जो पांचवा सॉन्ग है वह है फिर से का सैड वर्जन, और इस मूवी के अंदर जो छठा और आखिरी सॉन्ग है वह है फिर से का रिमैक्स। तो गाइज इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 6 सॉन्ग्स हैं, और मतलब सही सॉन्ग्स हैं। वन टाइम के लिए अगर आप सुनेंगे तो आपको मतलब काफ़ी आनंद आएगा इस मूवी के सॉन्ग सुन के, और काफ़ी मज़ा भी आएगा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो इस मूवी को IMDb पर मिला है 10 में से 5.3 की रेटिंग, जो कि इस मीडियम से थोड़ा ही ऊपर है। बट अगर देखा जाए तो मूवी की स्टोरी काफ़ी अच्छी है। क्योंकि गाइज अगर मैं आपको यहाँ पे अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई है और काफ़ी सही स्टोरी है, थोड़ी कॉमेडी है और थोड़ा लव स्टोरी है। अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा और मतलब आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा इस मूवी को देख के, और आप बोर नहीं होंगे। वन टाइम के लिए काफ़ी अच्छी मूवी है, अगर आप देखेंगे तो मतलब काफ़ी आनंद आएगा आपको इस मूवी को देख के। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के सॉन्ग्स की, तो सॉन्ग्स भी काफ़ी अच्छे हैं, तो मैं सजेस्ट करूँगा आप सॉन्ग्स भी मतलब एक बार ज़रूर सुने इस मूवी के। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए और अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को, और इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइज आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर व्यूज़ में। तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे फिर से मूवी के बारे में। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइज मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसे लिखा गया है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइज इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं कुणाल कोहली और अजय भुइया, और इस मूवी को लिखा गया है ज्योति कपूर के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की, तो गाइज इस मूवी के प्रोड्यूसर में आपको देखने के लिए मिलेंगे शिव कुमार। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे कुणाल कोहली और जेनिफर विंगेट। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइज इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई मनीष चंद्रा भट्ट के द्वारा, और इस मूवी को एडिट किया गया है धवल अशोक दर्जी के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं जीत गांगुली के द्वारा, और इस मूवी के अंदर जो बैकग्राउंड स्कोर दिया गया है वो दिया गया है संदीप सरोदकर के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे अब इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की, तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है बॉम्बे फिल्म कंपनी लिमिटेड, और गाइज जो इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वो किया गया है द बॉम्बे फिल्म कंपनी लिमिटेड के द्वारा। और इस मूवी को रिलीज़ किया गया था 15 जनवरी 2018 को, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है।
तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी का साउंड ट्रैक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 6 सॉन्ग्स हैं, और गाइस जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वह है फिर से का टाइटल ट्रैक, और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वह है रोजाना, और गाइस जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वह है मैंने सोचा कि चुरा लूँ, और गाइस जो इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वह है ये दिल जो है बदमाश है, और इस मूवी के अंदर जो पाँचवा सॉन्ग है वह फिर से का सैड वर्जन, और इस मूवी के अंदर जो छठा और आखिरी सॉन्ग है वह फिर से का रिमैक्स। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 6 सॉन्ग्स हैं, और मतलब सही सॉन्ग्स हैं, वन टाइम के लिए अगर आप सुनेंगे तो आपको मतलब काफ़ी आनंद आएगा इस मूवी के सॉन्ग सुन के, और काफ़ी मज़ा भी आएगा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो इस मूवी को IMDb पर मिला है 10 में से 5.3 की रेटिंग, जो कि मीडियम से थोड़ा ही ऊपर है, बट अगर देखा जाए तो मूवी की स्टोरी काफ़ी अच्छी है। क्योंकि गाइस अगर मैं आपको यहाँ पे अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई है और काफ़ी सही स्टोरी है, थोड़ी कॉमेडी है और थोड़ा लव स्टोरी है। अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा, और मतलब आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा इस मूवी को देख के, और आप बोर नहीं होंगे, वन टाइम के लिए काफ़ी अच्छी मूवी है, अगर आप देखेंगे तो मतलब काफ़ी आनंद आएगा आपको इस मूवी को देख के। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के सॉन्ग्स की, तो सॉन्ग्स भी काफ़ी अच्छे हैं, तो मैं सजेस्ट करूँगा आप सॉन्ग्स भी मतलब एक बार ज़रूर सुने इस मूवी के। हाँ तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को, और इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर व्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे फिर से मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है, और किसके द्वारा इसे लिखा गया है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस इस मूवी का जो डायरेक्टर है वो है कुणाल कोहली और अजय भुइया, और इस मूवी को लिखा गया है ज्योति कपूर के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी का प्रोड्यूसर की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर में आपको देखने के लिए मिलेंगे शिव कुमार। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे कुणाल कोहली और जेनिफर विंगेट। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई मनीष चंद्र भट्ट के द्वारा, और इस मूवी को एडिट किया गया है धवल अशोक दर्जी के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं जीत गांगुली के द्वारा, और इस मूवी के अंदर जो बैकग्राउंड स्कोर दिया गया है वो दिया गया है संदीप सरोदकर के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे अब इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की, तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है बॉम्बे फिल्म कंपनी लिमिटेड, और गाइस जो इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वो किया गया है द बॉम्बे फिल्म कंपनी लिमिटेड के द्वारा। और इस मूवी को रिलीज़ किया गया था 15 जनवरी 2018 को, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी का साउंड ट्रैक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 6 सॉन्ग्स हैं, और गाइस जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वो है फिर से का टाइटल ट्रैक, और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है रोजाना, और गाइस जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है मैंने सोचा कि चुरा लूँ, और गाइस जो इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वो है ये दिल जो है बदमाश है, और इस मूवी के अंदर जो पाँचवा सॉन्ग है वो है फिर से का सैड वर्जन, और इस मूवी के अंदर जो छठा और आखिरी सॉन्ग है वह फिर से का रिमैक्स। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 6 सॉन्ग्स हैं, और मतलब सही सॉन्ग्स हैं, वन टाइम के लिए अगर आप सुनेंगे तो आपको मतलब काफ़ी आनंद आएगा इस मूवी के सॉन्ग सुन के, और काफ़ी मज़ा भी आएगा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो इस मूवी को IMDb पर मिला है 10 में से 5.3 की रेटिंग, जो कि इस मीडियम से थोड़ा ही ऊपर है, बट अगर देखा जाए तो मूवी की स्टोरी काफ़ी अच्छी है। क्योंकि गाइस अगर मैं आपको यहाँ पे अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई है और काफ़ी सही स्टोरी है, थोड़ी कॉमेडी है और थोड़ा लव स्टोरी है। अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा, और मतलब आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा इस मूवी को देख के, और आप बोर नहीं होंगे, वन टाइम के लिए काफ़ी अच्छी मूवी है, अगर आप देखेंगे तो मतलब काफ़ी आनंद आएगा आपको इस मूवी को देख के। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के सॉन्ग्स की, तो सॉन्ग्स भी काफ़ी अच्छे हैं, तो मैं सजेस्ट करूँगा आप सॉन्ग्स भी मतलब एक बार ज़रूर सुने इस मूवी के। हाँ तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को, और इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर व्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे फिर से मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है, और किसके द्वारा इसे लिखा गया है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ।
तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं कुणाल कोहली और अजय भुइया, और इस मूवी को लिखा गया है ज्योति कपूर के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर में आपको देखने के लिए मिलेंगे शिव कुमार। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे कुणाल कोहली और जेनिफर विंगेट। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई मनीष चंद्र भट्ट के द्वारा, और इस मूवी को एडिट किया गया है धवल अशोक दर्जी के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं जीत गांगुली के द्वारा, और इस मूवी के अंदर जो बैकग्राउंड स्कोर दिया गया है वो दिया गया है संदीप सरोदकर के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे अब इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की, तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है बॉम्बे फिल्म कंपनी लिमिटेड। और गाइस जो इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वो किया गया है द बॉम्बे फिल्म कंपनी लिमिटेड के द्वारा। और इस मूवी को रिलीज़ किया गया था 15 जनवरी 2018 को, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी का साउंड ट्रैक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 6 सॉन्ग्स हैं, और गाइस जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वह फिर से का टाइटल ट्रैक, और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वह है रोजाना, और गाइस जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वह मैंने सोचा कि चुरा लूँ, और गाइस जो इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वह ये दिल जो है बदमाश है, और इस मूवी के अंदर जो पाँचवा सॉन्ग है वह फिर से का सैड वर्जन, और इस मूवी के अंदर जो छठा और आखिरी सॉन्ग है वह फिर से का रिमैक्स। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 6 सॉन्ग्स हैं, और मतलब सही सॉन्ग्स हैं। वन टाइम के लिए अगर आप सुनेंगे तो आपको मतलब काफ़ी आनंद आएगा इस मूवी के सॉन्ग सुन के, और काफ़ी मज़ा भी आएगा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो इस मूवी को IMDb पर मिला है 10 में से 5.3 की रेटिंग, जो कि इस मीडियम से थोड़ा ही ऊपर है। बट अगर देखा जाए तो मूवी की स्टोरी काफ़ी अच्छी है, क्योंकि गाइस अगर मैं आपको यहाँ पे अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई है और काफ़ी सही स्टोरी है, थोड़ी कॉमेडी है और थोड़ा लव स्टोरी है। अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा, और मतलब आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा इस मूवी को देख के, और आप बोर नहीं होंगे। वन टाइम के लिए काफ़ी अच्छी मूवी है, अगर आप देखेंगे तो मतलब काफ़ी आनंद आएगा आपको इस मूवी को देख के। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के सॉन्ग्स की, तो सॉन्ग्स भी काफ़ी अच्छे हैं, तो मैं सजेस्ट करूँगा आप सॉन्ग्स भी मतलब एक बार ज़रूर सुने इस मूवी के। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को, और इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर व्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे फिर से मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पे कोई मूवी के लिए प्रेफर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है, और किसके द्वारा इसे लिखा गया है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं कुणाल कोहली और अजय भुइया, और इस मूवी को लिखा गया है ज्योति कपूर के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर में आपको देखने के लिए मिलेंगे शिव कुमार। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे कुणाल कोहली और जेनिफर विंगेट। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई मनीष चंद्र भट्ट के द्वारा, और इस मूवी को एडिट किया गया है धवल अशोक दर्जी के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं जीत गांगुली के द्वारा, और इस मूवी के अंदर जो बैकग्राउंड स्कोर दिया गया है वो दिया गया है संदीप सरोदकर के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे अब इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की, तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है बॉम्बे फिल्म कंपनी लिमिटेड। और गाइस जो इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वो किया गया है द बॉम्बे फिल्म कंपनी लिमिटेड के द्वारा। और इस मूवी को रिलीज़ किया गया था 15 जनवरी 2018 को, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी का साउंड ट्रैक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 6 सॉन्ग्स हैं, और गाइस जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वह फिर से का टाइटल ट्रैक, और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वह रोजाना, और गाइस जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वह मैंने सोचा कि चुरा लूँ, और गाइस जो इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वह ये दिल जो है बदमाश है, और इस मूवी के अंदर जो पाँचवा सॉन्ग है वह फिर से का सैड वर्जन, और इस मूवी के अंदर जो छठा और आखिरी सॉन्ग है वह फिर से का रिमैक्स। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 6 सॉन्ग्स हैं, और मतलब सही सॉन्ग्स हैं। वन टाइम के लिए अगर आप सुनेंगे तो आपको मतलब काफ़ी आनंद आएगा इस मूवी के सॉन्ग सुन के, और काफ़ी मज़ा भी आएगा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो इस मूवी को IMDb पर मिला है 10 में से 5.3 की रेटिंग, जो कि इस मीडियम से थोड़ा ही ऊपर है। बट अगर देखा जाए तो मूवी की स्टोरी काफ़ी अच्छी है, क्योंकि गाइस अगर मैं आपको यहाँ पे अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई है और काफ़ी सही स्टोरी है, थोड़ी कॉमेडी है और थोड़ा लव स्टोरी है। अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा, और मतलब आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा इस मूवी को देख के, और आप बोर नहीं होंगे। वन टाइम के लिए काफ़ी अच्छी मूवी है, अगर आप देखेंगे तो मतलब काफ़ी आनंद आएगा आपको इस मूवी को देख के। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के सॉन्ग्स की, तो सॉन्ग्स भी काफ़ी अच्छे हैं, तो मैं सजेस्ट करूँगा आप सॉन्ग्स भी मतलब
एक बार जरूर सुने इस मूवी के। हाँ तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए और अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को और इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर व्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे फिर से मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसे लिखा गया है और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में और मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं कुणाल कोहली और अजय भुइया और इस मूवी को लिखा गया है ज्योति कपूर के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर में आपको देखने के लिए मिलेंगे शिव कुमार। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे कुणाल कोहली और जेनिफर विंगेट। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई मनीष चंद्र भट्ट के द्वारा और इस मूवी को एडिट किया गया है धवल अशोक दर्जी के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं जीत गांगुली के द्वारा और इस मूवी के अंदर जो बैकग्राउंड स्कोर दिया गया है वो दिया गया है संदीप सरोदकर के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे अब इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है बॉम्बे फिल्म कंपनी लिमिटेड। और गाइस जो इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वो किया गया है द बॉम्बे फिल्म कंपनी लिमिटेड के द्वारा और इस मूवी को रिलीज़ किया गया था 15 जनवरी 2018 को और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी का साउंड ट्रैक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 6 सॉन्ग्स हैं और गाइस जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वो है फिर से का टाइटल ट्रैक और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है रोजाना और गाइस जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है मैंने सोचा कि चुरा लूँ और गाइस जो इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वो है ये दिल जो है बदमाश है और इस मूवी के अंदर जो पाँचवा सॉन्ग है वो है फिर से का सैड वर्जन और इस मूवी के अंदर जो छठा और आखिरी सॉन्ग है वो है फिर से का रिमैक्स। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 6 सॉन्ग्स हैं और मतलब सही सॉन्ग्स हैं वन टाइम के लिए अगर आप सुनेंगे तो आपको मतलब काफ़ी आनंद आएगा इस मूवी के सॉन्ग सुन के और काफ़ी मज़ा भी आएगा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की तो इस मूवी को IMDb पर मिला है 10 में से 5.3 की रेटिंग जो कि इस मीडियम से थोड़ा ही ऊपर है। बट अगर देखा जाए तो मूवी की स्टोरी काफ़ी अच्छी है क्योंकि अगर मैं आपको यहाँ पे अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में तो गाइज़ ये मूवी मेरी देखी हुई है और काफ़ी सही स्टोरी है, थोड़ी कॉमेडी है और थोड़ा लव स्टोरी है। अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा और मतलब आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा इस मूवी को देख के और आप बोर नहीं होंगे, वन टाइम के लिए काफ़ी अच्छी मूवी है। अगर आप देखेंगे तो मतलब काफ़ी आनंद आएगा आपको इस मूवी को देख के। और गाइज़ अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के सॉन्ग्स की तो सॉन्ग्स भी काफ़ी अच्छे हैं तो मैं सजेस्ट करूँगा आप सॉन्ग्स भी मतलब एक बार ज़रूर सुने इस मूवी के। हाँ तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए और अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को और इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर व्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे फिर से मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसे लिखा गया है और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में और मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं कुणाल कोहली और अजय भुइया और इस मूवी को लिखा गया है ज्योति कपूर के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर में आपको देखने के लिए मिलेंगे शिव कुमार। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे कुणाल कोहली और जेनिफर विंगेट। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई मनीष चंद्र भट्ट के द्वारा और इस मूवी को एडिट किया गया है धवल अशोक दर्जी के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं जीत गांगुली के द्वारा और इस मूवी के अंदर जो बैकग्राउंड स्कोर दिया गया है वो दिया गया है संदीप सरोदकर के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे अब इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है बॉम्बे फिल्म कंपनी लिमिटेड। और गाइस जो इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वो किया गया है द बॉम्बे फिल्म कंपनी लिमिटेड के द्वारा और इस मूवी को रिलीज़ किया गया था 15 जनवरी 2018 को और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 6 सॉन्ग्स हैं और गाइस जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वो है फिर से का टाइटल ट्रैक और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है रोजाना और गाइस जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है मैंने सोचा कि चुरा लूँ और गाइस जो इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वो है ये दिल जो है बदमाश है और इस मूवी के अंदर जो पाँचवा सॉन्ग है वो है फिर से का सैड वर्जन और इस मूवी के अंदर जो छठा और आखिरी सॉन्ग है
वो है फिर से का रिमेक्स। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 6 सॉन्ग्स हैं और मतलब सही सॉन्ग्स हैं। वन टाइम के लिए अगर आप सुनेंगे तो आपको मतलब काफ़ी आनंद आएगा इस मूवी के सॉन्ग सुन के और काफ़ी मज़ा भी आएगा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो इस मूवी को IMDb पर मिला है 10 में से 5.3 की रेटिंग, जो कि इस मीडियम से थोड़ा ही ऊपर है। बट अगर देखा जाए तो मूवी की स्टोरी काफ़ी अच्छी है, क्योंकि गाइज अगर मैं आपको यहाँ पे अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई है और काफ़ी सही स्टोरी है, थोड़ी कॉमेडी है और थोड़ा लव स्टोरी है। अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा और मतलब आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा इस मूवी को देख के और आप बोर नहीं होंगे। वन टाइम के लिए काफ़ी अच्छी मूवी है, अगर आप देखेंगे तो मतलब काफ़ी आनंद आएगा आपको इस मूवी को देख के। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के सॉन्ग्स की, तो सॉन्ग्स भी काफ़ी अच्छे हैं, तो मैं सजेस्ट करूँगा आप सॉन्ग्स भी मतलब एक बार ज़रूर सुने इस मूवी के। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए और अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को और इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइज आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर व्यूज में। तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे फिर से मूवी के बारे में। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा और गाइज मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसे लिखा गया है और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में और मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस इस मूवी का जो डायरेक्टर है वो है कुणाल कोहली और अजय भुइया और इस मूवी को लिखा गया है ज्योति कपूर के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर में आपको देखने के लिए मिलेंगे शिव कुमार। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे कुणाल कोहली और जेनिफर विंगेट। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई मनीष चंद्रा भट्ट के द्वारा और इस मूवी को एडिट किया गया है धवल अशोक दर्जी के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं जीत गांगुली के द्वारा और इस मूवी के अंदर जो बैकग्राउंड स्कोर दिया गया है वो दिया गया है संदीप सरोदकर के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे अब इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की, तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है बॉम्बे फिल्म कंपनी लिमिटेड। और गाइज जो इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वो किया गया है द बॉम्बे फिल्म कंपनी लिमिटेड के द्वारा। और इस मूवी को रिलीज़ किया गया था 15 जनवरी 2018 को और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी का साउंड ट्रैक की। तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 6 सॉन्ग्स हैं और गाइज जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वो है फिर से का टाइटल ट्रैक। और गाइज जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है रोजाना। और गाइज जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है मैंने सोचा कि चुरा लूँ। और गाइज जो इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वो है ये दिल जो है बदमाश है। और इस मूवी के अंदर जो 5वां सॉन्ग है वो है फिर से का सैड वर्जन। और इस मूवी के अंदर जो 6ठा और आखिरी सॉन्ग है वह फिर से का रिमैक्स। तो गाइज इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 6 सॉन्ग्स हैं और मतलब सही सॉन्ग्स हैं। वन टाइम के लिए अगर आप सुनेंगे तो आपको मतलब काफ़ी आनंद आएगा इस मूवी के सॉन्ग सुन के और काफ़ी मज़ा भी आएगा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो इस मूवी को IMDb पर मिला है 10 में से 5.3 की रेटिंग, जो कि इस मीडियम से थोड़ा ही ऊपर है। बट अगर देखा जाए तो मूवी की स्टोरी काफ़ी अच्छी है, क्योंकि गाइज अगर मैं आपको यहाँ पे अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई है और काफ़ी सही स्टोरी है, थोड़ी कॉमेडी है और थोड़ा लव स्टोरी है। अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा और मतलब आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा इस मूवी को देख के और आप बोर नहीं होंगे। वन टाइम के लिए काफ़ी अच्छी मूवी है, अगर आप देखेंगे तो मतलब काफ़ी आनंद आएगा आपको इस मूवी को देख के। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के सॉन्ग्स की, तो सॉन्ग्स भी काफ़ी अच्छे हैं, तो मैं सजेस्ट करूँगा आप सॉन्ग्स भी मतलब एक बार ज़रूर सुने इस मूवी के। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए और अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को और इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइज आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर व्यूज़ में। तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे फिर से मूवी के बारे में। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा और गाइज मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसे लिखा गया है और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में और मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइज इस मूवी का जो डायरेक्टर है वो है कुणाल कोहली और अजय भुइया और इस मूवी को लिखा गया है ज्योति कपूर के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की, तो गाइज इस मूवी के प्रोड्यूसर में आपको देखने के लिए मिलेंगे शिव कुमार। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे कुणाल कोहली और जेनिफर विंगेट। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइज इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई मनीष चंद्रा भट्ट के द्वारा और इस मूवी को एडिट किया गया है धवल अशोक दर्जी के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं जीत गांगुली के द्वारा और इस मूवी के अंदर जो बैकग्राउंड स्कोर दिया गया है वो दिया गया है संदीप सरोदकर के द्वारा।
और अगर हम बात करें यहाँ पे अब इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की, तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है बॉम्बे फिल्म कंपनी लिमिटेड, और गाइज जो इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वो किया गया है द बॉम्बे फिल्म कंपनी लिमिटेड के द्वारा, और इस मूवी को रिलीज़ किया गया था 15 जनवरी 2018 को, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी का साउंड ट्रैक की। तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 6 सॉन्ग्स हैं, और गाइज जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वो है फिर से का टाइटल ट्रैक, और गाइज जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है रोजाना, और गाइज जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है मैंने सोचा कि चुरा लूँ, और गाइज जो इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वो है ये दिल जो है बदमाश है, और इस मूवी के अंदर जो 5वां सॉन्ग है वो है फिर से का सैड वर्जन, और इस मूवी के अंदर जो 6ठा और आखिरी सॉन्ग है वो है फिर से का रिमैक्स। तो गाइज इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 6 सॉन्ग्स हैं, और मतलब सही सॉन्ग्स हैं, वन टाइम के लिए अगर आप सुनेंगे तो आपको मतलब काफ़ी आनंद आएगा इस मूवी के सॉन्ग सुन के, और काफ़ी मज़ा भी आएगा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो इस मूवी को IMDb पर मिला है 10 में से 5.3 की रेटिंग, जो कि इस मीडियम से थोड़ा ही ऊपर है, बट अगर देखा जाए तो मूवी की स्टोरी काफ़ी अच्छी है। क्योंकि गाइज अगर मैं आपको यहाँ पे अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई है और काफ़ी सही स्टोरी है, थोड़ी कॉमेडी है और थोड़ा लव स्टोरी है। अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा, और मतलब आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा इस मूवी को देख के, और आप बोर नहीं होंगे, वन टाइम के लिए काफ़ी अच्छी मूवी है, अगर आप देखेंगे तो मतलब काफ़ी आनंद आएगा आपको इस मूवी को देख के। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के सॉन्ग्स की, तो सॉन्ग्स भी काफ़ी अच्छे हैं, तो मैं सजेस्ट करूँगा आप सॉन्ग्स भी मतलब एक बार ज़रूर सुने इस मूवी के। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को, और इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइज आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर व्यूज़ में। तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे फिर से मूवी के बारे में। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइज मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसे लिखा गया है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइज इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं कुणाल कोहली और अजय भुइया, और इस मूवी को लिखा गया है ज्योति कपूर के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की, तो गाइज इस मूवी के प्रोड्यूसर में आपको देखने के लिए मिलेंगे शिव कुमार। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे कुणाल कोहली और जेनिफर विंगेट। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइज इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई मनीष चंद्रा भट्ट के द्वारा, और इस मूवी को एडिट किया गया है धवल अशोक दर्जी के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं जीत गांगुली के द्वारा, और इस मूवी के अंदर जो बैकग्राउंड स्कोर दिया गया है वो दिया गया है संदीप सरोदकर के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे अब इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की, तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है बॉम्बे फिल्म कंपनी लिमिटेड, और गाइज जो इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वो किया गया है द बॉम्बे फिल्म कंपनी लिमिटेड के द्वारा, और इस मूवी को रिलीज़ किया गया था 15 जनवरी 2018 को, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी का साउंड ट्रैक की। तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 6 सॉन्ग्स हैं, और गाइज इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वह फिर से का टाइटल ट्रैक, और गाइज उस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वह है रोजाना, और गाइज उस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वह है मैंने सोचा कि चुरा लूँ, और गाइज उस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वह है ये दिल जो है बदमाश है, और इस मूवी के अंदर जो 5वां सॉन्ग है वह फिर से का सैड वर्जन, और इस मूवी के अंदर जो 6ठा और आखिरी सॉन्ग है वह फिर से का रिमैक्स। तो गाइज इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 6 सॉन्ग्स हैं, और मतलब सही सॉन्ग्स हैं, वन टाइम के लिए अगर आप सुनेंगे तो आपको मतलब काफ़ी आनंद आएगा इस मूवी के सॉन्ग सुन के, और काफ़ी मज़ा भी आएगा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो इस मूवी को IMDb पर मिला है 10 में से 5.3 की रेटिंग, जो कि इस मीडियम से थोड़ा ही ऊपर है, बट अगर देखा जाए तो मूवी की स्टोरी काफ़ी अच्छी है। क्योंकि गाइज अगर मैं आपको यहाँ पे अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई है और काफ़ी सही स्टोरी है, थोड़ी कॉमेडी है और थोड़ा लव स्टोरी है। अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा, और मतलब आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा इस मूवी को देख के, और आप बोर नहीं होंगे, वन टाइम के लिए काफ़ी अच्छी मूवी है, अगर आप देखेंगे तो मतलब काफ़ी आनंद आएगा आपको इस मूवी को देख के। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के सॉन्ग्स की, तो सॉन्ग्स भी काफ़ी अच्छे हैं, तो मैं सजेस्ट करूँगा आप सॉन्ग्स भी मतलब एक बार ज़रूर सुने इस मूवी के। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को, और इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइज आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर व्यूज़ में। तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे फिर से मूवी के बारे में। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइज मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसे लिखा गया है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ।
तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है कुणाल कोहली और अजय भुइया, और इस मूवी को लिखा गया है ज्योति कपूर के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर में आपको देखने के लिए मिलेंगे शिव कुमार। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे कुणाल कोहली और जेनिफर विंगेट। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई मनीष चंद्र भट्ट के द्वारा, और इस मूवी को एडिट किया गया है धवल अशोक दर्जी के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं जीत गांगुली के द्वारा, और इस मूवी के अंदर जो बैकग्राउंड स्कोर दिया गया है वो दिया गया है संदीप सरोदकर के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे अब इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की, तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है बॉम्बे फिल्म कंपनी लिमिटेड। और गाइज जो इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वो किया गया है द बॉम्बे फिल्म कंपनी लिमिटेड के द्वारा। और इस मूवी को रिलीज किया गया था 15 जनवरी 2018 को, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी का साउंड ट्रैक की। तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 6 सॉन्ग्स हैं, और गाइज जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वह फिर से का टाइटल ट्रैक, और गाइज जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वह रोजाना, और गाइज जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वह मैंने सोचा कि चुरा लूँ, और गाइज जो इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वह ये दिल जो है बदमाश है, और इस मूवी के अंदर जो 5वां सॉन्ग है वह फिर से का सैड वर्जन, और इस मूवी के अंदर जो 6ठा और आखिरी सॉन्ग है वह फिर से का रिमैक्स। तो गाइज इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 6 सॉन्ग्स हैं, और मतलब सही सॉन्ग्स हैं। वन टाइम के लिए अगर आप सुनेंगे तो आपको मतलब काफ़ी आनंद आएगा इस मूवी के सॉन्ग सुन के, और काफ़ी मज़ा भी आएगा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.3 की रेटिंग, जो कि इस मीडियम से थोड़ा ही ऊपर है। बट अगर देखा जाए तो मूवी की स्टोरी काफ़ी अच्छी है, क्योंकि गाइज अगर मैं आपको यहाँ पे अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई है और काफ़ी सही स्टोरी है, थोड़ी कॉमेडी है और थोड़ा लव स्टोरी है। अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा, और मतलब आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा इस मूवी को देख के, और आप बोर नहीं होंगे। वन टाइम के लिए काफ़ी अच्छी मूवी है, अगर आप देखेंगे तो मतलब काफ़ी आनंद आएगा आपको इस मूवी को देख के। और गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के सॉन्ग्स की, तो सॉन्ग्स भी काफ़ी अच्छे हैं, तो मैं सजेस्ट करूँगा आप सॉन्ग्स भी मतलब एक बार ज़रूर सुने इस मूवी के। हाँ तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए, और अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को, और इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइज आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर व्यूज़ में। तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे फिर से मूवी के बारे में। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइज मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि मैं यहाँ पे कोई मूवी के क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है, और किसके द्वारा इसे लिखा गया है, और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस इस मूवी का जो डायरेक्टर है वो है कुणाल कोहली और अजय भुइया, और इस मूवी को लिखा गया है ज्योति कपूर के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर में आपको देखने के लिए मिलेंगे शिव कुमार। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे कुणाल कोहली और जेनिफर विंगेट। और गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई मनीष चंद्र भट्ट के द्वारा, और इस मूवी को एडिट किया गया है धवल अशोक दर्जी के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो सॉन्ग्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं जीत गांगुली के द्वारा, और इस मूवी के अंदर जो बैकग्राउंड स्कोर दिया गया है वो दिया गया है संदीप सरोदकर के द्वारा। और अगर हम बात करें यहाँ पे अब इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की, तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है बॉम्बे फिल्म कंपनी लिमिटेड। और गाइज जो इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वो किया गया है द बॉम्बे फिल्म कंपनी लिमिटेड के द्वारा, और इस मूवी को रिलीज किया गया था 15 जनवरी 2018 को, और ये इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी का साउंड ट्रैक की। तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 6 सॉन्ग्स हैं, और गाइज जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वह फिर से का टाइटल ट्रैक, और गाइज जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वह रोजाना, और गाइज जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वह मैंने सोचा कि चुरा लूँ, और गाइज जो इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वह ये दिल जो है बदमाश है, और इस मूवी के अंदर जो 5वां सॉन्ग है वह फिर से का सैड वर्जन, और इस मूवी के अंदर जो 6ठा और आखिरी सॉन्ग है वह फिर से का रिमैक्स। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर 6 सॉन्ग्स हैं, और मतलब सही सॉन्ग्स हैं। वन टाइम के लिए अगर आप सुनेंगे तो आपको मतलब काफ़ी आनंद आएगा इस मूवी के सॉन्ग सुन के, और काफ़ी मज़ा भी आएगा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 5.3 की रेटिंग, जो कि इस मीडियम से थोड़ा ही ऊपर है। बट अगर देखा जाए तो मूवी की स्टोरी काफ़ी अच्छी है, क्योंकि गाइज अगर मैं आपको यहाँ पे अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी के बारे में, तो गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई है और काफ़ी सही स्टोरी है, थोड़ी कॉमेडी है और थोड़ा लव स्टोरी है। अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा, और
मतलब आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा इस मूवी को देख के और आप बोर नहीं होंगे। वन टाइम के लिए काफ़ी अच्छी मूवी है, अगर आप देखेंगे तो मतलब काफ़ी आनंद आएगा आपको इस मूवी को देख के। और गाइस अगर हम बात करें आप इस मूवी के सॉन्ग्स की, तो सॉन्ग्स भी काफ़ी अच्छे हैं, तो मैं सजेस्ट करूँगा आप सॉन्ग्स भी मतलब एक बार ज़रूर सुने इस मूवी के। हाँ तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और मूवी का आनंद लीजिए और अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को, और इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए, काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं इस मूवी के। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।